All right, so good afternoon, friends. Fantastic to see all of you once again in the same class after almost two months. I think hum log 10th December tak to saath mein hi the aur uske baad mein aap log ka group 2 chala. Roz dekhta tha idhar udhar CDO mein aur niche. Aap logo ko dekhkar acha lagta tha. Hamesha ek regret rehta tha ki last class mein maine aapko bahut daata tha. Lekin I think उस समय मुझे जो लगा मैंने वो किया. सो किसी को बुरा लगा होगा तो अभी भी मैं सॉरी बोलता हूँ. लेकिन ये हमेशा से प्लान था कि आप लोगों का आगे के 3 महीने के लिए सेशन तो लेना ही है. सो दिस इज द आइडियल टाइम टुडे. वी हैव 3 मंथ्स इन फ्रंट ऑफ अस. जस्ट इनफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन. वी नो कि क्या करना है एंड वी नो कि कितना टाइम है. करेक्ट. So the thing is, अभी मैं देख रहा हूँ कि पहले के 2 benches में लोग कम बैठे हैं. The reason I know very well, because थोड़ा थोड़ा अपने को डर लग रहा है अब कि क्या होगा, कैसे होगा. अब suddenly एक एक करके classes खत्म होते जा रही है. Now the ball is in our court. अब अपने को करना है जो करना है. Teachers लोगों को जो करना था वो लोग एक एक करके करके निकल रहे हैं. Teachers लोगों का जो जादू था वो खत्म होते जा रहा है. अब अपने को खुद ही efforts लेना है and magic create करना है. So friends, this session is about your approach towards CA intermediate exam. क्योंकि I think कि direction से बहुत कुछ set हो जाता है. अगर आप लोग को समझो दिल्ली पहुंचना है, बहुत fastest possible mode से पहुंचना है. आप best mode से भी निकले, aeroplane से निकले, लेकिन आपका aeroplane चेन्नई की तरफ निकल गया. Fastest speed in the wrong direction is the slowest speed. So direction बहुत important है. आप खूब मेहनत करोगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग अभी सेशन में बैठ रहे हो. मतलब आपने 6 महीने की क्लासेस सस्टेन कर लिया है और आप लोग अभी यू विल, मतलब आपके अंदर में विलिंगनेस है करने की, इसलिए अब आप लोग आगे के गाइडेंस के लिए बैठे हो. सी दिस इज नॉट सपोज टू बी अ मोटिवेशनल सेमिनार, क्योंकि मोटिवेशन विल लास्ट ओनली फॉर 1 day or 2 days. मंथ के खत्म होते होते मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा. दिस इज सपोज टू बी अ गाइडेंस सेमिनार जिसमें कुछ कुछ फाइन ट्यूनिंग करना होगा. बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट टीचर्स ने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए बता दिया है, समझा दिया है. बट दिस इज सपोज टू बी फाइन ट्यूनिंग सेमिनार कि जो मिस्टेक्स हम लोग करके बाद में रियलाइज करें उससे अच्छा पहले से ही हम लोग उसमें सतर्क रहे, अलर्ट रहे. क्योंकि इन माई स्मॉल एक्सपीरियंस ऑफ 29 ईयर्स आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स लोग ना एग्जाम के बाद में रिग्रेट करते हैं. मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि एग्जाम खत्म होने के बाद फिर पढ़ते भी नहीं है, रिजल्ट आने के बाद में उनको लगता है कि हम लोग शायद पास नहीं होंगे, लेकिन फिर रियलाइज करते हैं कि यार तब मैंने कर लिया होता. सो इसलिए हम लोग पहले ही आकर के आपको वार्निंग दे देते हैं कि ये बातें हैं, इसको अभी से ध्यान में रखो, इसको फॉलो करो तो आपका प्रॉपर रिजल्ट आएगा. सर वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो और वो दरवाजा भी बंद कर दो. आई नो हाउ इट फील्स लाइक. ओके सो देखिए ऐसी बात है. हाँ चलेगा. ऐसी बात है कि द मेन थिंग एज आई सेड दिस सेशन इज अबाउट इंजॉय योर एग्जाम्स. तो सबसे बड़ा एक आयरनी है कि एग्जाम्स और इंजॉय सेम लाइन में कैसे लिख दिया आपने, है ना, सेम फ्रेज में कैसे आ गया एग्जाम्स और इंजॉय. एंड द फैक्ट इज कि दैट आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स एंड बिना इंजॉय किए इतना एक्सेलेंट रिजल्ट मेरा आ भी नहीं सकता था. जो अलग अलग एग्जाम्स में मेरे भी रैंक्स आए, ठीक है, आई कैन नॉट से कि मैंने हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को एंजॉय किया, लेकिन यस ओवरऑल प्रोसेस को मैंने एंजॉय किया. एंड एट द एंड जैसे अभी यश आपसे बात करके गया तो इट इज ऑल वर्थ इट. कुछ कुछ फेजेस ऐसे भी आते हैं जब हमको ड्रैग करना पड़ता है, जब मजा नहीं आ रहा है, बस करने के लिए करना है. ओके बट स्टिल इट इज वर्थ इट. अब वो फेज को भी एंजॉय करना शुरू करो. मतलब अगर आप टफ टाइम्स को भी एंजॉय करना शुरू कर दोगे तो जो गुड टाइम्स थे वो तो वैसे ही गुड रहेंगे. मतलब आपके लाइफ में तो सिर्फ गुड ही टाइम्स बचेंगे एंड दिस टफ टाइम्स विल मेक यू मच टफर, मच बेटर. सो दिस सेशन इज अबाउट सेटिंग अप द ओरिएंटेशन एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन वी विल बी एक्चुअली मेकिंग द प्लान इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कि भाई कैसे हम लोगों को अगले 3 महीने में हमको प्लानिंग करना है. तो दोनों चीज हम लोग करेंगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ खोखली बातें कर ली, हाँ हो जाता है बेटा, यू कैन डू इट, चलो कम ऑन से आई कैन, ऐसा नहीं. हम लोग एक्चुअल में पहले अप्रोच सेट करेंगे और फिर ऑन पेपर साबित करेंगे कि पॉसिबल है और फिर अगले 3 महीने में इंप्लीमेंटेशन में लग जाएंगे. बट वो सबके पहले, इवन प्लान बनाने के पहले, हमको एग्जाम के प्रति एक अप्रोच हमारा रखना बहुत जरूरी है.
एंड मैं हमेशा आपको क्लास में भी कहता था कि अपने को पढ़ना पढ़ नहीं रहा है, अपने को पढ़ने मिल रहा है. आई होप आपको ध्यान है. ये ग्रेटफुलनेस ये हमेशा रहना चाहिए पढ़ाई के लिए, बिकॉज वी आर द अमंग द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स और वेरी फ्यू यंगस्टर्स इन इंडिया हु आर गेटिंग सच क्वालिटी एजुकेशन. चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स हम लोग कर रहे हैं एंड इसके थ्रू हमारे बहुत सारे दरवाजे बहुत कम एज में खुल जाते हैं. इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. कितने सारे लोगों को तो ये कोर्स के बारे में पता ही नहीं है, बाकी कई लोगों को पता है बट रिसोर्सेज नहीं है करने के. कई लोगों के पास मनी नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, दूसरी कोई ऑब्लिगेशन है, किसी के पास में उतना विल पावर नहीं है, किसी के पास में गाइडेंस नहीं है. आपके पास में सब चीजें है. द फैक्ट दैट यू हैव कंप्लीटेड प्रॉपर 6 months ऑफ क्लासेस मीन्स दैट यू आर एबल टू गिव दैट मच टाइम रिसोर्सेज एंड योर एनर्जी. नाउ ओनली थिंग इज टू कैपिटलाइज. ये जितना आपने समय स्पेंड किया ये राइट ऑफ नहीं हो जाना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के. इट शुड बी केपेबल ऑफ बींग कैपिटलाइज. हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ पॉजिटिव रिजल्ट. एंड सी अल्टीमेटली एवरीबडी इंक्लूडिंग यू योरसेल्फ विल जज यू बाय योर रिजल्ट. अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो बट आपका अगर रिजल्ट बाय चांस नेगेटिव आ गया तो आप सोचोगे कि यार आप तो डिजर्व ही नहीं करते हो या आप एवरेज हो मीडियोकर हो. ऐसा नहीं है. आपको अभी से ही मेहनत का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे रखना है जिससे रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाए. सी वन थिंग विच यू ऑल्सो अंडरस्टैंड इज दैट रिजल्ट इज नॉट इन आर कंट्रोल. इज इट इन आर कंट्रोल? नहीं. बट वॉट इज इन आर कंट्रोल? स्टडीज, एफर्ट्स. आपके मई एग्जाम के बाद से जुलाई एंड या अगस्त तक जब तक रिजल्ट आएगा तब तक जो होगा चेकिंग में, पेपर कहां जाएंगे, कौन कैसे चेक करेगा, रिजल्ट कैसे आपका पब्लिश होगा, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है. बट मई लास्ट एग्जाम 17th या 18th में लास्ट पेपर है आपका 18th में, तो लास्ट एग्जाम के शाम के 5 बजे तक चीजें आपके कंट्रोल में है. उसके बाद में आप 2-3 महीने के लिए आपकी छुट्टी है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है उस एग्जाम का. तब आगे क्या करना है, जैसे अभी यश बोल के गया, तब भी आगे चुपचाप से साइलेंटली इफ नॉट 12 hours a day एटलीस्ट 6 hours a day 8 hours a day 7 hours a day वापस से पढ़ाई शुरू कर देना है. नहीं तो क्या होगा, बाय चांस अगर अपना रिजल्ट पास नहीं आया, पॉजिटिव नहीं आया, बाय चांस, वी शुड हैव दैट फैक्टर इन माइंड इन सीए एग्जाम्स. और कुछ कुछ स्टूडेंट तो एक ही ग्रुप देते हैं फिर भी नहीं पढ़ते एग्जाम के बाद में. उनको तो पता है कि सेकेंड ग्रुप दिया ही नहीं फिर भी नहीं पढ़ते हैं, ये कैसी उम्मीद है? एक ग्रुप देकर लगता है कि शायद 2 ग्रुप पास हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना. मतलब ऐसा करते और फिर बाद में सेकेंड फर्स्ट ग्रुप भी अगर नहीं निकला देन दे कम इन अ फिक्स पोजिशन कि अभी हमको सर दोनों ग्रुप देना है, पिछली बार तो एक ही दिया था, अभी तो लोगों को जवाब देने के लिए दोनों ग्रुप देना होगा, बट देन फिर टाइम नहीं बचा. सो अगेन वो विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाते हैं. एंड बिलीव मी इट हैपेंस विद मेनी सीए फाइनल स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो अर्लियर द लेसन लर्न द बेटर इट इज, एंड खुद होके सीख ले तो सबसे ज्यादा अच्छा, रेदर देन बाद में लाइफ हमको सिखाए. बिलीव मी 6-6 महीना स्पॉइल करना कोई इट्स नॉट अ एंजॉयबल थिंग, है ना, तब बहुत दिक्कत जाती है जब आपके फ्रेंड्स लोग आगे निकलते जाते. कल के दिन मैंने बहुत सारे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स से हाफ एन आवर टाइम देकर के बात किया. अलग अलग स्टूडेंट्स अभी रिजल्ट के बाद कॉन्टेक्ट कर रहे थे, उसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट थी जो सीए बन गई. उसके बाद जितने स्टूडेंट्स आए सबको, सब लोग पास नहीं हुए थे, तो उन लोगों से बात किया तो सबने एक दो चीजें कॉमन एक्सेप्ट किया कि हाँ सर हमने रिविजन प्रॉपरली नहीं किया था, नंबर ऑफ रिविजन कम किया था, हाँ सर हमने एग्जाम के बाद रिजल्ट तक के पढ़ाई नहीं किया था. ये दो चीज तो कॉमन ही थी सब में. फिर अभी वापस से ये पोजीशन आ जाती कि बेटा अभी फिर आप एक ही ग्रुप दो. तो इसलिए एग्जाम के बाद तो आपने वापस से फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देना है. आपको जो लगता है कि जो ग्रुप में चांसेस स्लाइटली कम है उसकी, या आपको लगता है दोनों ही ग्रुप में पास हो सकते तो भी थोड़ा थोड़ा. मैं कह रहा हूं लेकिन मेरे समय पर मैंने ऐसा नहीं किया था, ये भी कह रहा हूं, बिकॉज आई वॉज 100% श्योर कि मैं पास तो होने वाला हूं. मेरे समय पे आई वॉज श्योर, मेरे एग्जाम उस लेवल के गए थे. एवरी पेपर आफ्टर एवरी पेपर वन ऑफ माई फ्रेंड यूज टू मैसेज मी एंड आस्क हाउ वॉज द पेपर. आई स्टिल हैव दोज मैसेजेस सेव्ड इन माई लैपटॉप. मैं रिप्लाई करता था फैबुलस, ऑसम, इनक्रेडिबल. एक एक पेपर, पहला पेपर हुआ कैसा था, फैबुलस, दूसरा पेपर एंड एक्चुअली इट वॉज लाइक दैट. बिकॉज मैंने मेरे सी एस के एग्जाम जो सी ए आई पी सी सी के पहले हुई थी, मेरा पी सी सी था, सी एस के एग्जाम में बहुत कुछ सीख लिया था, बहुत कुछ. 15 दिन में 6 पेपर सी एस के पढ़ा था एग्जीक्यूटिव के, और वो उसमें मैंने बहुत कुछ सीख लिया जो मैंने सीधा सीधा यहां पर, मेरे पास 2.5 महीने का समय था सी ए पी सी सी के लिए, तो मैंने सीधा सीधा उसको अप्लाई किया. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए हाई था क्योंकि जब मैंने 15 दिन में इतना टफ एग्जाम कर लिया, टफ था क्योंकि मैंने उसकी क्लासेस भी नहीं किया था सी एस की, और फिर भी कर लिया,
रोया भी, बहुत अलग ही फेस था वो. तो मैंने अपने आप को कहा कि यहां पर तो मेरे पास में 15 दिन के 3 स्लॉट्स हैं, रेदर 5 स्लॉट्स हैं, ढाई महीना 15 दिन के 5 स्लॉट्स. तो मैंने कहा ये तो अपन कर ही सकते हैं. एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस प्रिपेरेशन के समय से ही आई वॉज इन टू इट. एंड कभी मैंने ये थॉट नहीं आने दिया कि नहीं हुआ तो क्या. फाइनल के लेवल पे भी मैंने उसके पहले सीएस का फाइनल एग्जाम कर लिया था, उसके 8-10 महीने पहले दिसंबर 2010 में सीएस फाइनल हो गया था, नवंबर 11 में मेरा सीए फाइनल था. तो 4 महीने मुझे मिले थे सीए फाइनल के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीने. आई वॉज वेरी श्योर कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, बस उस हिसाब से मेहनत करना है. सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज द कॉन्फिडेंस इन आर सेल्फ कि यस आई एम गोइंग टू डू इट, आई हैव इट इन मी टू डू इट. एंड सी द फैक्ट दैट यू हैव डन दिस क्लासेस शोज दैट समवेयर यू बिलीव विद इन यू दैट यू कैन डू इट. वरना अभी तक तो आप सब पैकअप करके निकल चुके होते थे. किया ना आपने पूरी 6 महीने की क्लासेस, आप इंटेंड करते हो एग्जाम देने का. हम लोग जब नई पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं, क्यों लॉस शेयरिंग रेशियो को डिसाइड नहीं करते? क्योंकि हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, वी एंटीसिपेट प्रॉफिट. नोबडी स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस इन एंटीसिपेशन ऑफ लॉसेस, चल साथ में लॉसेस करते हैं. पीपल डू एवरीथिंग विद अ पॉजिटिव रिजल्ट इन माइंड. इंडिया की टीम वर्ल्ड कप में उतरेगी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ हमको वर्ल्ड कप जीतना है, ये सोच के तो नहीं उतरेगी कि बस सेमीफाइनल तक कैसे तैसे पहुंच जाए. सो हाउ यू थिंक लेटर ऑन रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, बट एटलीस्ट आई होप कि एट दिस स्टेज यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू डू वेल. या किसी को लगता है नहीं सर मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा माइंड मन में एक आवाज आती रहती है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो क्या, एक फियर है. एंड यू नो व्हाई दैट फियर इज, इट इज बिकॉज ऑफ द अननोन. दैट फियर इज बिकॉज ऑफ द डार्क टेरिटरी. हम लोग ने अभी तक की इस लेवल के एग्जाम फेस नहीं किया है और बहुत सारे लोगों को देखा है, सुना है, एक पैनिक हवा क्रिएट किया गया सीए के एग्जाम. सीए फाउंडेशन तो कुछ नहीं, आपको लोगों ने बोला होगा. अभी सीए इंटर में मेन एग्जाम है, इंटर पास हो जाओगे तो लोग बोलेंगे इंटर तो कुछ नहीं है, फाइनल मेन एग्जाम है. सीए बन जाओगे तो लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं था, अभी मेन चैलेंज है. एंड दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स, कि आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग भी रहेंगे एंड आपको एंकरेज करने वाले लोग भी रहेंगे. आपके अंदर भी वो दोनों आवाजें चलती रहेगी. सो आपको, आप जिस आवाज को ज्यादा फीड करोगे वो ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी. टेल मी वन थिंग, इज वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स गोइंग टू हेल्प यू टूडे? वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, आज आप अगर अगस्त में क्या रिजल्ट आएगा उसकी चिंता आज कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं उसका. हाँ, बींग कंसर्न अबाउट इट कि आई वॉन्ट टू मेक श्योर इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, मीन्स अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो तो अलग बात है, तो आप उस पर एक्शन लोगे. सो आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू कि जब आप पढ़ाई की बात करते हो तो फोकस ऑन थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, फोकस ऑन दैट पार्ट विच इज इन योर कंट्रोल. सामने वाला क्या करेगा, आईसीआई क्या करेगा, पेपर कैसा आएगा, चेकर कैसा रहेगा, वी डोंट नो, बट नाउ द थिंग इज इन आर कंट्रोल. हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, देखते हैं, तो हमारे पास जब शटल आए तो हम कैसा शॉट खेल रहे हैं हमारे हाथ में वो है, सामने वाला कैसा शॉट खेल देगा उसको हम लोग कंट्रोल करने लग जाए फिर तो गेम में मजा ही नहीं है. गेम में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वही तो गेम में मजा है. एंड सीए एग्जाम में पास होने का भी मजा वहीं पर है क्योंकि फेल होने के चांसेस हैं. टेल मी वन थिंग, बीकॉम के एग्जाम का रिजल्ट आया आप लोगों का? आएगा, आप लोग पास भी हो जाओगे, आपको वो मजा आएगा जो सीए इंटर पास होने का आएगा? नहीं, क्योंकि बीकॉम के एग्जाम में आपको मोर और लेस पता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बीकॉम, बट आप लोग के लिए अभी सीए ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है. आप लोगों को पता है कि सीए के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी फेल होने की ज्यादा है. एंड मैं एकदम स्पष्ट बात कर रहा हूं, बिल्कुल आपको अच्छा लगे ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं मैं. इसलिए आपको इसमें एक्साइटमेंट भी है और उसी एक्साइटमेंट को आप अपने माइंड में प्रोसेस करके नर्वसनेस में कन्वर्ट कर लेते हो. इट इज एन एक्साइटमेंट कि पता नहीं क्या होगा, बट हम लोग उसको सोच सोच के इतने बार प्रोसेस करके नर्वस हो जाते हैं. सो फ्रेंड्स, एग्जाम है, टेक इट लाइक अ गेम. जो होगा होगा, अपन जो कर सकते हैं वो करते हैं. ओके, अपन अपना बेस्ट करते हैं. अभी अपन लोग कैजुअल नहीं होते हैं, कुछ चीजें अपने लिए थंब रूल्स बना लो कि एटलीस्ट वी विल डू व्हाट वी कैन डू रेदर देन फोकसिंग ऑन व्हाट वी कैनॉट डू. विद इन योर स्टडीज ऑल्सो, से आउट ऑफ ऑल द 8 सब्जेक्ट्स, से इन एनी सब्जेक्ट देर इज एनी पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको बहुत टेंशन दे रहा है, सो लेट अस अज्यूम आपको वो नहीं जमता. बट उसका मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्ट ही आपको नहीं जमता, उसका मतलब ये नहीं है.
तो आपको बहुत ध्यान से ये चीज समझना है कि डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विद व्हाट यू कैन डू. बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कर सकते हो, अग्रीड, बट हु इज एक्सपेक्टिंग यू टू स्कोर 800 आउट ऑफ 800? बोला है किसी ने आपको कितने चाहिए 800 में से? 400 मिनिमम, करेक्ट, 400 मार्क्स चाहिए, उसके ऊपर आ गए सब बोनस. तो आप एटलीस्ट जो जो कुछ नहीं जानता है, कहीं कुछ इम्परफेक्शन से, उसको साथ में लेते हुए चलो. उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो करो. अगर आपको लगता है अब टाइम नहीं उस चीज को रेक्टिफाई करने का, तो स्टिल रिस्क को जितना मिनिमाइज कर सकते कर लो. जैसे फाउंडेशन लेवल पे मैं आपको उस समय अगर मिला था तो बताता था कि मैथ्स स्टैट्स में, मैथ्स में लोग डेरिवेशन इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं. तो आई वुड हैव एडवाइज्ड कि भाई एटलीस्ट बेसिक तो उसके क्वेश्चंस कर लो, उसमें से कोई आ गया तो. अभी भी से आप फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन्स चैप्टर छोड़ने का सोच रहे हो कि अपने को नहीं जानता, एग्जांपल, आई होप नहीं छोड़ोगे, लेकिन सोच रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि काम करो, उसके जो बहुत टफ क्वेश्चन है वो भले मत करो, लेकिन बेसिक चीजें तो देख लो. क्या पता कई बार बेसिक में से कुछ आ जाए, छोड़ना तो है नहीं वैसे भी. सो ट्रस्टिंग योर सेल्फ विल हेल्प यू. एंड वेन यू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट ट्रस्टिंग योर मटीरियल, स्टडी मटीरियल. नहीं तो आपको मटीरियल पे भी डाउट आता है, आपको टीचर पे भी डाउट आता है. सबसे बड़ा विश्वास तो खुद पे रखना है कि भाई मटीरियल में थोड़ा बहुत कम ज्यादा है चल जाएगा, टीचर ने कोई टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ाया चल जाएगा क्योंकि मुझ में दम है, मैं कर लूंगा, ये बात रहना चाहिए. एंड अब वैसे भी देर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक एंड चेंजिंग योर स्टडी मटीरियल एंड चेंजिंग योर टीचर्स. आपने जो टीचर्स से पढ़ा है, बिलीव मी, दे आर अमंग द बेस्ट. एंड जो मटेरियल भी आपको मिला है, इट इज द बेस्ट, क्योंकि उसी मटेरियल के बेस पे ऑल इंडिया रैंक्स आ चुके हैं. मतलब और आपको तो हम लोग एग्जाम के बाद क्वेश्चंस भी मार्क करवा के देते हैं कि देखो एग्जाम में क्वेश्चंस उसी में से आए हैं. सो देर इज नो नीड टू डाउट. ओनली थिंग इज कि हम अगर विश्वास करेंगे तो हमको उसका ज्यादा आउटपुट मिलेगा. मैं फ्रेंकली बताऊं तो मैं शर्मा सर पे इतना ज्यादा विश्वास करता था, सिर्फ उनके मटेरियल से पढ़ाई किया अकाउंट्स और उनके जितने क्वेश्चंस थे बुक के सिर्फ उतने किया, आई मीन सॉल्व अनसॉल्व सब, उसके अलावा एक भी बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं. आजकल तो लोग बहुत सारे अलग अलग मटेरियल जमा करने लग जाते हैं, मैंने नहीं किया एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स. सो द थिंग इज कि मुझे कॉस्टिंग में 98 मार्क्स मिले. तो मटेरियल पे विश्वास करना बहुत जरूरी है. जो बाहर आप कितने चीजें असिमुलेट कर सकते हो, आज के डेट में व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फिर फेसबुक के ग्रुप्स हैं और इतने सारे फ्रेंड्स हैं आपके, तो इतने सारे आप कलेक्ट कर सकते हो मटेरियल जिसकी कोई लिमिट नहीं. लेकिन आप टाइम कलेक्ट नहीं कर सकते. टाइम कलेक्ट करना है मतलब नवंबर की प्लानिंग करना है. ये थॉट तो दिमाग में आए नहीं रहे किसी के कि काम करते मैं एग्जाम नहीं देते नवंबर. नाउ सी व्हाई एंजॉय, मैं क्यों एंजॉय और एग्जाम्स बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे सोच समझ के बताइए, याद करके बताइए, किसी दिन आप बहुत खुश हो उस दिन आप ज्यादा काम कर पाते हो क्या जिस दिन बहुत दुखी हो? जिस दिन बहुत दुखी हो उस दिन तो बेड से ही उठने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि 2 घंटे और सो जाते हैं, यार लाइफ इतनी मिजरेबल है और ये प्रॉब्लम्स है. जिस दिन खुश है, जिस दिन मान लो आपके कोई फ्रेंड्स आपसे मिलने आ रहे हैं बहुत सालों बाद, बहुत महीनों बाद, आपके कोई कजिन्स आपसे मिलने आ रहे हैं, या मतलब समबडी यू रियली वॉन्ट टू मीट, तो उस दिन आप सुबह से बहुत एक्साइटेड रहते हो, है ना, फटाफट अपना काम करते हो. आपने कोई भी सेलिब्रिटी जिसको आप फॉलो करते हो, वेदर कोई क्रिकेटर है या कोई बॉलीवुड स्टार है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई भी जिन्होंने एक लेवल तक के कुछ अचीव किया है, आप देखो वो भी अपने काम को एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं, तभी वो इस लेवल पे पहुंचे हैं. बिकॉज अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो एक लेवल के आगे आपका प्रोडक्टिविटी नहीं पहुंचेगा. अगर आप वो चीज में मीनिंग ढूंढना शुरू कर दोगे, एंजॉय करना शुरू कर दोगे, तो आपका काम भी बहुत अच्छा होने लगेगा. इट इज वेरी सिंपल. सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एंजॉय योर एग्जाम्स. मेरे पास तो एक YouTube पे मैंने देखा था वीरेंद्र सहवाग का वीडियो जहां पर वो गाना गाते गाते क्रिकेट खेल रहा है एंड सिक्स मार रहा है. ही इज रियली एंजॉयिंग हिज गेम देयर. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाना गाते गाते बुक पढ़ो, लेकिन आप प्रोसेस ऐसा बना लो कि बुक पढ़ना ही अपने आप में आपको जॉय देते जाए. एंड बिलीव मी होगा. हम लोग आज जो प्लानिंग करेंगे, हम लोग जो टारगेट्स रखेंगे, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट कि उसके दिन हम लोग खुश हो जाएंगे. सक्सेस के लिए वो दिन तक के वेट मत करो. आप सिर्फ ये देखो कि हम छोटा छोटा सक्सेस हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. सो एंजॉय करना है तो उसके लिए अपने आप पे विश्वास करना होगा. अगर आज ही मैंने आपको बता दिया बेटा तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा रिजल्ट तो नेगेटिव ही आने वाला है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका ट्रस्ट हट गया और आपका एंजॉयमेंट लेवल कम हो गया.
इसका उल्टा कर देते हैं, मैं आपको बोल देता हूं आप बस पढ़ाई अच्छे से कर लो, रिजल्ट पक्का पॉजिटिव आने वाला है। तो आप अपने आप पे ट्रस्ट भी बढ़ गया कि पॉजिटिव आने वाला है। टेल मी, इज इट इम्पॉसिबल और पॉसिबल? किसी का आया है क्या पहले कभी सीए इंटरमीडिएट? किसी ने पास किया है पहले? किया है। सो दैट इज द एग्जाम्पल इटसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अस कि हम लोग भी कर सकते हैं। पिछले बैच के तो मैंने आपको रिजल्ट्स बताया था, 8-10 स्टूडेंट्स थे जिनको 500 से ज्यादा मार्क्स मिले, है ना, कुछ स्टूडेंट्स मिलने भी आए थे आपसे। सो 500, यहां पर रिक्वायर्ड मार्क्स तो सिर्फ 400 हैं। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल। सो हाँ, जो चीज किसी ने किया ही नहीं, कोई आज तक के सूरज तक पहुंच ही नहीं पाया, सूरज मतलब सूरज तक पहुंच ही नहीं पाया, जो रास्ते में रोशनी मिल जाती है, तो तो हमको पता है कि हम भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन चांद तक हमने ठान लिया तो पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज तक चांद तक लोग पहुंच पाए हैं। इफ somebody has done it, it is the biggest proof that it can be done. उसको माइंड में रखते हुए करो। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि स्टार्टिंग में यश की आपके साथ मुलाकात हो गई कि यस देर इज अ पर्सन। वो तो कहता है कि उसको 10-11 बार 12th के बाद में 10-11 एंट्रेंस एग्जाम्स दिया था उसने, अलग अलग साइंस से रिलेटेड, मेडिकल किया, इंजीनियरिंग की, जो भी, सब में फेल हुआ, रिजेक्ट हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर जाके सीए में आया, और सीए में वो जिस एग्जाम में पास हुआ उसमें नागपुर से सिर्फ 200 बच्चे पास हुए थे फाउंडेशन, और उसके बाद भी उसको अटेम्प्ट्स लगे, आईपीसीसी में एक अटेम्प्ट लगा, फाइनल में एक बार में एक ग्रुप निकला, अगली बार में एक ग्रुप निकला, लेकिन उसने इवेंचुअली कर लिया। एट द एंड इट इज वर्थ इट। सो द थिंग इज, आप स्टार्टिंग से अप्रोच कैसा रखते हो। आपको बाद में जाके ये नहीं लगना चाहिए यार अपन ने वो टाइम भी वेस्ट कर दिया, एंजॉय भी नहीं किया और रिजल्ट भी नेगेटिव आ गया। इंजॉय करोगे तो रिजल्ट के पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी है। अब प्लान करके काम करना होगा। आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ प्लानिंग। मतलब जब मैं पढ़ाता नहीं था तब भी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मेरा एक इंटरव्यू छपा था इतवादा में इंटरमीडिएट की रैंक का, उसमें लिखा था प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, सेज सीए टॉपर पवन सारडा। तो मतलब मैंने बहुत सारी बातें बताई थी इंटरव्यू में, बट उन्होंने उस चीज को हेडलाइन में रखा था, बिकॉज दैट इज द ट्रिक विच ऑलवेज वर्कड फॉर मी। कि भाई ठीक है, अपने आप में, अपने में टैलेंट होगा, बहुत सारे फैक्टर्स अपने फेवर में होंगे, लेकिन अगर अपन काम ही नहीं करेंगे जो करना है तो रिजल्ट नहीं आएगा। इट्स लाइक एक पर्सन रोज भगवान से प्रेयर कर रहा है कि प्लीज मुझे लॉटरी जितवा दो, लॉटरी जितवा दो, तो 10 दिन के बाद भगवान खुद नीचे आके बोलते भाई जितवा देता हूं बट लॉटरी की टिकट तो खरीद ले, कि पहले वो तो कर ले जो तेरे कंट्रोल में है। सो आपके कंट्रोल में जो है, आज हम लोग उस चीजों की बात करेंगे, है ना, लक क्या होता है और डेस्टिनी क्या होती है और हम लोग कौन सी प्रार्थना करें तो पास हो जाते हैं, वो हम लोग बात नहीं करेंगे। वर्क इज वर्शिप। तो प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान इंप्लीमेंट करना है। प्लानिंग हम लोग बहुत डेप्थ में जाकर के आज करेंगे, एंड प्लानिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। देखिए, बिना प्लान के हम लोग जितना कर पाएंगे उससे ज्यादा ही हम लोग प्लान के साथ करेंगे एनी टाइम, इवन तो हमारा प्लान 100% फॉलो नहीं होता है, क्योंकि अगर प्लान नहीं है तो वी आर नॉट एबल टू से नो टू सर्टेन थिंग्स। आपके पास में कोई प्लान नहीं है, आपने सोचा ही नहीं कि आपको कितना पढ़ना है, और आपके एक फ्रेंड का फोन आया, चलता क्या आज नई मूवी लगी है देखकर आ जाते हैं, कोई नॉन सीए फ्रेंड का फोन आया, आप उसको मना नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप मना कर दोगे तो भी यहां पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है और आपको लगेगा उसको बुरा लग जाएगा, क्योंकि आपने खुद प्लान नहीं किया, मतलब आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे हो, आपके फ्रेंड क्या सोचता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चले गए। इट्स लाइक अ फुटबॉल, मतलब जिसने जहां किक मारा हम लोग जा रहे हैं, अगर हमारे पास खुद का प्लान नहीं है तो, करेक्ट। अब विराट कोहली फील्डिंग कर रहा है और क्राउड में से किसी ने चिल्लाया सर ऑटोग्राफ, बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा है ऑटोग्राफ, और अभी बॉल डाल रहा है बॉलर, तो विराट कोहली पहले जाके ऑटोग्राफ देकर आएगा या उस समय उसमें ध्यान देगा? बिकॉज इट इज हिज प्लान कि भाई अभी तो मैं प्ले फील्ड में हूं, अभी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई कितना भी चिल्लाए, इजंट इट। तो वैसे ही अभी आप प्लेइंग जोन में रहोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स, बाकी लोग हो सकता है आपको एंकरेज भी कर रहे हैं या हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं जाने अनजाने में, तो आपने इंश्योर करना है कि आपको किसकी बात का कितना इफेक्ट होते जाए, एंड दैट विल बी ऑलवेज हेल्प्ड इफ यू हैव अ प्रॉपर प्लान। अगर प्लान रहा तो आप किसी को भी मना कर सकते हो। लाइक कोई स्टूडेंट मुझसे अगर आज का अपॉइंटमेंट मांगता था कि सर आपसे 3 बजे मिलना है, मैं आऊं क्या? तो आई वुड हैव सेड नो, बिकॉज आई हैव प्लान्ड अ सेशन एट दैट टाइम, आई कैन नॉट मीट यू। इट इज वेरी इजी टू से नो व्हेन समथिंग इज शेड्यूल्ड, बट इफ इट इज नॉट शेड्यूल्ड
देन ठीक है भाई आ जा बाद में कर लेंगे, बाकी काम बाद में कर लूंगा, एंड एवरीथिंग एल्स टेक्स प्रायोरिटी. इट्स वेरी सिंपल. आपके चार फ्रेंड्स हैं, ओके, एक फ्रेंड है पढ़ाई, एक फ्रेंड है मस्ती, एक फ्रेंड है खाना पीना, एक फ्रेंड है सोना, ओके. अगर आपने पढ़ाई का प्लान नहीं बनाया, पढ़ाई से मिलने का प्लान नहीं बनाया, तो उस समय आप और किसी से मिल रहे हो, ओके. या तो आप सोने वाले फ्रेंड से मिल रहे हो, या तो खाने पीने वाले फ्रेंड से मिल रहे हो, या मस्ती वाले से मिल रहे हो. सेइंग नो टू समथिंग मीन्स सेइंग यस टू समथिंग एल्स. सो ये मत सोचना कि बिना प्लान के अपन अपने हिसाब से तो कर ही लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि दो चार दिन तो आपका अच्छा चलेगा, बट कंसिस्टेंटली वो नहीं टिक पाएगी बात. क्योंकि प्लान रहा तो हमको लगता है कि ठीक है दो चार दिन अच्छी पढ़ाई किया, लेकिन 30 दिन तक के सस्टेन करना है, तो आपको एक प्रेशर रहता है कि अभी इतना ही परसेंट काम हुआ है. और प्लान नहीं रहा तो दो चार दिन में अपने को लगने लगता है कि अपन ने क्या एकदम जबरदस्त कर दिए. दो चार दिन कोई भी अच्छा काम कर सकता है ना. आप एक दिन 9 घंटा जिम मार के आ जाओ, बहुत बढ़िया, लेकिन रोज नहीं जाओगे तो कोई फायदा नहीं. उससे अच्छा रोज आधा घंटा जिम जाओ, सबसे बेस्ट. सिंपल सी बात है. तो प्लान करो एंड प्लान को इंप्लीमेंट करो. चीजों को प्लान रखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन द नेक्स्ट पार्ट, कि प्लान की डिटेल्स में जाकर के कैसे हम लोग इतनी बड़ी पढ़ाई को तोड़ देना है. जैसे बहुत बड़ी माउंटेन चढ़ते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ देते हैं, है ना, कि ये गोल तक जाना है, फिर यहां से वहां तक जाना है, वहां से वहां तक जाना है. कोई भी बड़ा काम करना है, इवन आपका सीए का सिलेबस, सीए का कोर्स बहुत बड़ा है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर स्टेप्स, फाउंडेशन, इंटर, 4 मेजर स्टेप्स, आर्टिकलशिप एंड फाइनल. बट विद इन दैट ऑल्सो यू कैन फर्दर सब डिवाइड. आपका जो भी सिलेबस था, जो भी चैप्टर सब्जेक्ट्स थे, सब चैप्टर्स में डिवाइडेड थे, सभी चैप्टर्स आपके टॉपिक्स में डिवाइडेड थे, तो आप पढ़ाई को भी वैसे डिवाइड कर दो. एक साथ मत सोचो कि 1 तारीख से 15 तारीख अपने को अकाउंट्स पढ़ना है, 15 तारीख से 30 तारीख कॉस्टिंग पढ़ना है. एक साथ मत सोचो, उसको फर्दर डिवाइड कर दो. क्योंकि कॉस्टिंग एज अ होल तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया. टैक्सेशन 25 चैप्टर, इतना सारा एक साथ पढ़ना है. मैं पहले दिन टैक्स पढ़ाने आया तो क्या मैंने ये बोल दिया, अरे बहुत बड़ा सिलेबस है, 2 घंटे में नहीं होगा, जाने दो, क्लास कैंसिल. क्या किया मैंने उस दिन, 2 घंटे में जितना हुआ उतना पढ़ाया. फिर अगले दिन आया, अगले दिन 2 घंटे में जितना हुआ उतना पढ़ाया, एंड धीरे 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 एडअप होते होते इतना बड़ा सिलेबस हो गया. और ऐसा हर एक सब्जेक्ट में हुआ. सो हाउ वॉज इट पॉसिबल, बिकॉज देर वॉज अ प्लान. देखिए प्लान नहीं रहता था आपकी बैच का, आपकी क्लासेस का, तो अभी आपके और 1 महीने की क्लासेस बची रहती थी. हम लोग ने आपका रिजल्ट लेट आया था, एग्जाम लेट हुई थी, फिर रिजल्ट लेट आया था, फिर क्लासेस लेट स्टार्ट हुई थी, फिर भी ऑलमोस्ट टाइम पे कंप्लीट हो रही है. क्यों? क्योंकि हम लोग ने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था कि दैट वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, और हम लोग ने पहले से ही उस चीज को कवर अप करने की कोशिश किया. अगर हम सोचते थे कि जान दे चलने दो, जैसा चल रहा है बाद में देखेंगे, बाद में पता चलता था अब तो पॉसिबल ही नहीं है. एक दिन में इतने आवर्स पॉसिबल, इससे ज्यादा कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसलिए चीजों को पहले से एंटिसिपेट करना बहुत जरूरी है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एग्जाम्स इज कि ये एक चैलेंज है जो बता करके आती है. लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आगे भी आपको आएंगे, लेकिन एग्जाम इज अ चैलेंज विच कम्स विद अ डेट, विच कम्स विद अ सिलेबस. मैंने तो मेरी पीसीसी के एग्जाम के बीच में डायरी लिखा था, शायद आप लोगों को क्लास में एक बार बताया था, और उसमें लिखा था मैंने कि एग्जाम टाइम्स आर अ ग्रेट टाइम टू डिस्कवर आवरसेल्व्स एंड टू डेवलप आवरसेल्व्स, नॉट जस्ट टू डिस्कवर, ऑल्सो टू डेवलप. मैंने उसमें लिखा था कि एग्जाम्स आर अ चैलेंज विद कम विद अ गिवन सिलेबस, गिवन डेडलाइन. तो पता है हमको कि भाई इस समय एग्जाम आने वाले हैं. ओनली थिंग इज वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. एंड बिलीव मी, आपको कोई बहुत आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आते हैं. आपके जो सिलेबस, आपके जो क्वेश्चन पेपर्स आप अगर पिछले 4-5 बार के एनालाइज करोगे, तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन आप बुक में कहीं ना कहीं ढूंढ पाओगे. आप बोलोगे नहीं सर वो क्वेश्चन तो बाद में बुक में लिए होंगे ना, लेटेस्ट एग्जाम का देख लो जिसके पहले आपको बुक मिल गई थी, या पिछले साल वालों की बुक देखो और उनकी एग्जाम का पेपर देखो, तो जो बुक में आपने पढ़ा उसी में से आएगा. द थिंग इज, क्या सर हम इतना सारा पढ़ पाएंगे? द आंसर इज बिल्कुल पढ़ पाओगे अगर आप उसको प्लान कर लो तो. वरना हैपेजेड वे में क्या होगा, हम कोई एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दे देंगे और दूसरी चीज उस चक्कर में अटक जाएगी. आपके पास हर टॉपिक, हर चैप्टर के लिए एक कट ऑफ टाइम रहना चाहिए, जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि कितना रखना है, वो हम लोग डिस्कस करके करेंगे. और बाद में आप पर्सनली वो प्लान को चेंज भी कर सकते हो.
लेकिन अगर कट ऑफ टाइम नहीं रहा तो जो चीज को 6 घंटे में हो सकता था उस चीज को आप 9 घंटे तक पढ़ोगे, उस समय 3 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्यूमुलेट होकर के जो चीजें 2 महीने में होना चाहिए था वो चीजें 3 महीने में होंगी, एंड वहां पर आपके 2 रिविजन कट गए, 2 रिविजन कम हो गए, मतलब एग्जाम में फेल। एक बार पढ़ के एक बार रिवाइज कर लिया और सीए एग्जाम पास हो जाएंगे, ऐसा बहुत रेयरली होता है। देखिए आपको कट लग के चौका भी मिल सकता है और स्टेट ड्राइव में चौका भी मिल सकता है, क्लास के दौरान भी मैं आपको बोलता था, सक्सेस एक्सीडेंट से भी मिल सकता है, आप आग बंद करके रोड क्रॉस करो तो भी शायद जिंदा पहुंच जाओगे सिंगल पीस में दूसरे तरफ, और आग खोल के करो तो भी पहुंच जाओगे, प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा है, आग खोल के रोड क्रॉस करोगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन आग बंद करके करोगे तो पक्का है क्या कि एक्सीडेंट होगा, नहीं, चांसेस फिर भी है कि सक्सेसफुल हो जाओगे, बट क्वेश्चन ये है कि आपको चांस लेना है कि नहीं लेना है, आपको आपकी एक ही लाइफ है, आपको एक पहली बार ही फर्स्ट अटेम्प्ट देना है और इसमें आपको चांस लेना है कि नहीं लेना है, लेना है तो लो, ये सेशन में भी बैठने की जरूरत नहीं, आराम से इत्मीनान से करो जैसे करना है, लेकिन अगर आपको चांस नहीं लेना है तो आप सिस्टम से काम करो, अ सिस्टम विच हैज वर्कड फॉर सो मेनी पीपल अर्लियर एंड विच इज वर्किंग फॉर अ रीजन, क्योंकि सब जो बेसिक चीजें हैं पढ़ाई के लिए जो लगती है वो सब हम लोग कवर करेंगे, बेसिक चीजें क्या है वो सब मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि एग्जाम को एंजॉय करना है, खुद पे विश्वास रखना है, खुद को बताना है कि यस इट इज पॉसिबल, खुद को स्टोरी बताना है ना, देर आर टू बुल्स फाइटिंग इन योर माइंड ऑलवेज, वन इज सेइंग दैट यस आई कैन डू इट, वन इज सेइंग नो आई कैन नॉट डू इट, विच वन विल विन, कौन सा बुल जीतेगा, जिसको हम ज्यादा चारा देंगे, द वन विच वी फीड मोर विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड दैट विल विन। तो आप जो थॉट्स रिपीट करोगे ना, पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में ये सब थॉट्स मत आने दो कि मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये वो, अभी तो पढ़ रहे हैं ना तो होगा, ये सोच के पढ़ाई करो, प्रॉफिट शेयरिंग के एंगल से बिजनेस शुरू रखो, करेक्ट। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान, ये जितने मैं आपको आज सिंपल पॉइंट्स बताऊंगा, दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर सक्सेस, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सब इंग्रेडिएंट्स ग्राउंड लेवल के नीचे हैं, जो किसी को दिखता नहीं है, जब आप मेहनत कर रहे हो तो इट इज नॉट विजिबल, दिक्कत बस ये है स्पोर्ट्स में और आपकी पढ़ाई में कि स्पोर्ट्स में इमीडिएट रिजल्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है, हमने कोई गेम खेला और इमीडिएटली जीत गए तो क्या खुशी मिलती है, वाओ, है ना, 2 घंटे की मैच खेला जीत गए, हार गए तो भी हमको एक फीलिंग रहती है कि चलो प्रोसेस अच्छा था, डिसअपॉइंटमेंट होता है, बट पढ़ाई में क्या होता है कि भाई इतने महीने हो गए यार, पढ़ ही रहे, सैटरडे को भी पढ़ रहे, संडे को भी पढ़ रहे, 26 जनवरी के दिन भी पढ़ रहे, हर दिन पढ़ ही रहे और कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहे, टेस्ट भी बीच बीच में दे रहे तो उसमें भी मार्क्स नहीं ढंग के आ रहे हैं, और कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कोई आके ट्रॉफी नहीं दे रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, घर वाले भी बोल रहे तू तो ऐसा ही है, कोई हमको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है हमारी मेहनत को, बिकॉज द थिंग इज सोसाइटी विल जज यू बाय योर रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली, बट आप अपने एफर्ट्स को देखो ना, मैं तो हमेशा अभी भी आई सेट माई टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ माई एफर्ट्स, जैसे पढ़ाई के समय मैं एफर्ट्स के टर्म में सोचता था कि मुझे एग्जाम तक के 4 बार पढ़ लेना है तो मैं सक्सेसफुल हूं, बाद में रिजल्ट जो भी आए, और पेपर पूरे 100 मार्क का सॉल्व करना है 3-3 घंटे में तो मैं सक्सेसफुल हूं, और 17 नवंबर 2011 मेरी सीए फाइनल का रिजल्ट आया था, मैंने मतलब उसके कुछ दिनों बाद मेरी डायरी लिखा था और उसमें लिख दिया था आई एम ऑलरेडी अ रैंक होल्डर इन माय आईज एज ऑन 17 नवंबर 5 PM बिकॉज आई हैव गिवन माय बेस्ट, मैंने मेरा बेस्ट दे दिया है, एफर्ट्स में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं कि मैंने मेरा बेस्ट दे दिया। अब सीए इंस्टीट्यूट रैंक देगा कि नहीं देगा, इट डिपेंड्स ऑन अदर स्टूडेंट्स, सो एम आई मेकिंग सेंस, कि अपन जो चीज कर रहे हैं उसको तो हम लोग टारगेट बना सकते हैं। आई विल नॉट टेल यू कि आप टारगेट बनाओ अकाउंट्स में 70 लाना है, कॉस्टिंग में 75 लाना है, टैक्स में 70 लाना है, टारगेट मत बनाओ, मैंने तो क्योंकि खुद कभी नहीं बनाया, मैं सिर्फ इतना सोचता था कि सब सब्जेक्ट में कम से कम 60 आना चाहिए बस, बाकी मैंने कभी इस टाइप का टारगेट सेटिंग नहीं किया खुद के लिए, बट मेरा टारगेट सेटिंग हमेशा एफर्ट्स के टर्म्स में हमेशा रहता था कि मुझे इतने दिनों में इतनी चीजें कंप्लीट करना है, नहीं हुई तो बैकअप प्लान, नहीं हुई तो रिवाइज प्लान, फॉल डाउन 7 times, राइज अप 8 times, एंड बिलीव मी मैं बहुत बार अपने प्लान में फेल होता था, दोज वर द फेलियर्स विच ओनली आई कुड सी,
सोसाइटी को मेरा स्ट्रगल भी नहीं दिख रहा था और सोसाइटी को मेरे स्मॉल स्मॉल फेलियर्स भी नहीं दिख रहे थे, उनको सीधा फाइनल सक्सेस दिखता है या फाइनल रिजल्ट दिखता है, और हमको उनके लिए काम भी नहीं करना है। हम अगर रोज रोज छोटे छोटे टारगेट्स में सक्सेसफुल होना शुरू हो जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए सर्कल कैसा चलता है, हमने छोटा सा टारगेट सेट किया, उसके लिए पढ़ाई किया, सक्सेसफुली कर लिया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर और टारगेट सेट करेंगे और पढ़ेंगे इस बार न्यू कॉन्फिडेंस के साथ, और वापस से सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड सो ऑन। और इसका अपोजिट क्या होता है कि अगर हमने कुछ टारगेट सेट नहीं किया तो दिन वेस्ट चला गया, दिन में हमारा हाफ डे करे पढ़ाई हुई, हमको पता ही नहीं ना कितना करना था, आइडियल क्या है, तो हमने कुछ तो पढ़ा बट वी आर कंपेयरिंग विथ समबडी एल्स, अरे उसने तो इतना पढ़ लिया, वो तो 12 घंटे से पढ़ रहा है, उसका तो इतना हो गया है, हमने खुद का कुछ सेट ही नहीं किया, तो हमारा वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, और वैसे ही हम लोग फिर पढ़ाई कम अच्छे से करेंगे, पढ़ाई कम अच्छे से करेंगे तो रिजल्ट भी कम अच्छा आएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल, रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल, मार्क्स तो अभी बहुत बाद में आएंगे, फिर वापस से अगली बार की पढ़ाई कम अच्छे से करेंगे, एनी विशियस सर्कल। सो इट इज वेरी सिंपल कि बी अ माइक्रो विनर, मतलब छोटी छोटी चीज में जीतते जाओ, ओके, स्मॉल स्मॉल टारगेट्स रखो, जीतते जाओ, लाइक नेक्स्ट टारगेट कि कल सुबह भैया 5 बजे उठना है, बस खत्म, उठ गए जीत गए, यू विन, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट 5 से 6 बजे तक पढ़ना है नॉन स्टॉप विदाउट डिस्ट्रैक्शन, पढ़ लिया आप जीत गए, ओके। आपने वो भी डिसाइड कर सकते हो कि उस देर में आपको क्या पढ़ना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो, बात समझ में आ रहा है। सो छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उसको कॉन्कर करते जाओ, एक दिन में अगर आप 10 बार जीत रहे हो, समझो 2 बार हार भी रहे हो, तो भी आप रीजनेबली सेटिस्फाइड सोओगे रात को, यू विल स्लीप अ सक्सेसफुल पर्सन दैट डे, सेटिस्फाइड पर्सन। एंड अगर आप 90 डेज तक के रोज अगर सेटिस्फाइड होकर सो रहे हो, मतलब 90 डेज के फेज में भी आप बहुत सेटिस्फाइड हो, सी ऑलवेज कम ज्यादा रहेगा, कोई कोई दिन रहेगा जब आपने 12 चैलेंजेस दिए थे खुद को, 12 चैलेंजेस एज इन से 12 आवर्स के स्लॉट आपने रखे थे, 12 बार पढ़ना है, उसमें से सिर्फ आपने उस दिन सिर्फ 4-5 घंटे बराबर पढ़ाई किया, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, ऐसा भी होना चाहिए, बट नेक्स्ट डे अगेन चॉइस इज योर्स, अगेन न्यू ब्लैंक अकाउंट नेक्स्ट डे, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे भी 12 में से 4-5 ही घंटे पढ़ना है, या अब आप रेक्टिफाई कर सकते हो। द सूनर यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस और वेर यू आर लैकिंग, द सूनर यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई, जितना आप डिले करोगे उतना गैप बढ़ते जाएगा। एंड अभी ऑलरेडी 2 ही चीज है जिसको हमको मैच करना है, अमाउंट ऑफ स्टडी टू बी डन, वर्क टू बी डन, एंड द अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम इतना सा है, काम इतना सारा है, बट टेल मी इज दिस 3 months गोइंग टू बी द टफेस्ट 3 months ऑफ योर लाइफ, और डू यू थिंक देयर कैन बी पॉसिबली सम बिगर चैलेंजेस, हो सकता है। अभी यश ने मुझे प्रियांशी का एक मैसेज पढ़ाया, प्रियांशी के फादर एग्जाम के 6 months पहले एक्सपायर हुए थे, आप लोगों को शायद मैंने उसकी स्टोरी बताया था, स्टिल उसने रैंक लाया था सीए फाइनल में। तो प्रियांशी ने पिछली बार यश को क्या बोल के मोटिवेट किया था एक मैसेज में, कि यश समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स एंड मूव ऑन, गिव इन अ चॉइस। मुझे अगर दिया रहता था कि मेरे पापा का साथ रहे, और दूसरा ऑप्शन कि 5 अटेम्प्ट लग जाए उसके अगेंस्ट में, आई वुड हैव टेकन इट, इजंट इट सो, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स विच आर गोइंग टू वैल्यू, विच आर गोइंग टू हैव मोर वैल्यू फॉर यू, जिसमें आप शायद आपके लिए और टफ रहे, तो डोंट मेक दिस द टफेस्ट थिंग इन योर लाइफ, ओके, दिस एग्जाम्स आर नॉट बिगर देन योर लाइफ, ये बात तो समझ लो, बट येस एट दिस स्टेज यू कैन मेक इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर लाइफ, एंड विच विल हेल्प यू डेवलप एज अ पर्सन फॉर द नेक्स्ट लेवल, इट इज स्टिल अ स्टेपिंग स्टोन। लाइक अभी आपको मैं बोलूं कि फाउंडेशन एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम थी आपके लिए, आप मानोगे क्या? नहीं, अब तो नहीं मानोगे, नहीं सर क्या एग्जाम थी, यहां पर तो हमने जो 2 महीने में पढ़ा वो उसमें फाउंडेशन हो जाता है। वैसे ही सीए फाइनल वाले आप पे हंसते होंगे, ये क्या इंटरमीडिएट में रो रहे हैं लोग, मतलब रो नहीं रहे हो आप लोग, बट क्या इंटरमीडिएट में टेंशन ले रहे हैं। वैसे हम लोग सीए फाइनल वालों पे हंसते हैं कि क्या सीए फाइनल का टेंशन ले रहे हैं, उसके बाद के चैलेंजेस तो देखा ही नहीं, उसके बाद तो क्वेश्चन पेपर भी खुद ही बनाना पड़ता है। सो द थिंग इज कि हमको लगता है कि ये भाई ये मोस्ट, जो भी हम लोग जब किसी के नजदीक रहते हैं ना तो वो चीज बड़ी दिखती है। टाइम लाइन में अगर आप देखो तो अभी आप लाइफ के वो स्टेज पे हो जहां पर आपकी एग्जाम बहुत नजदीक खड़ी है, तो आपको बहुत बड़ी दिख रही है, बट जैसे जैसे आप और दूर चले जाओगे 20 ईयर्स डाउन द लाइन, आप पलट के देखोगे इंटरमीडिएट एग्जाम
यू विल थिंक दैट इट वॉज वन ऑफ द चैलेंजेस बट नॉट द टफेस्ट. तब तक आप बहुत सारा और एक्सपीरियंस एड कर लोगे. सो लेट इट बी अ गुड एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस कैन आइदर मेक यू बेटर और बिटर. पहले से माइंड सेट ऐसा रखो कि दिस एक्सपीरियंस विल मेक मी अ बेटर पर्सन. पॉजिटिवली अप्रोच करो, है ना. डोंट जस्ट थिंक पॉजिटिव विशफुली. पॉजिटिव थिंकिंग खोखली नहीं होना चाहिए. हाँ, ये फेज में मैं अपना बेस्ट देने को तैयार हूं. आई एम रेडी टू गिव माई बेस्ट. मैं बैठे बैठे सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा हूं कि भाई मेरे को पास होना है, पास होना है, पास होना है. यश ने जो कहा, रात को मार्कशीट इमेजिन करो, रिजल्ट कार्ड इमेजिन करो, वो रात को करना, लेकिन दिन भर पढ़ाई करने के बाद. ऐसा नहीं कि दिन भर कोई टाइम पास किया, रात को सिर्फ अपना वो रिचुअल बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं. मेन क्या है, वो चीज पे ध्यान दो. एंड व्हेन आई से ट्रस्ट योरसेल्फ, इट शुड बी बैक्ड विद एफर्ट्स. खोखला ट्रस्ट अगर है तो कोई काम का नहीं है. आपको भी फिर अंदर से कहीं ना कहीं पता रहेगा कि सिर्फ मैं अपने आपको कहानी बता रहा हूं, होने वाला तो कुछ है नहीं. और अगर आप एफर्ट्स लेते रहोगे तो ये सब बोलने की भी जरूरत नहीं, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा. सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड एक्शन एंड कंसिस्टेंट एक्शन. हमेशा हम बोलते हैं टाइम मैनेज कैसे करें सर. इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर फोकस, नॉट टाइम. बिकॉज टाइम तो सभी को उतना है जितना आपको है. एग्जाम तक के आप सभी लोगों को मैं एग्जाम देने का है, आप सभी के पास उतना ही टाइम है. बट द थिंग इज नाउ, अभी तक भी उतना टाइम था फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद भी, बट नाउ हाउ यू मैनेज योर फोकस इन दिस कमिंग 3 मंथ्स, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, इजंट इट. कि आप वो समय किस चीज में डालते हो. आप थोड़ी ना समय को मैनेज कर सकते हो, आप भगवान से बड़े हो गए, समय को मैनेज कर रहे हैं. आप घड़ी को मैनेज कर सकते हो, समय तो चलते जाएगा. उस समय में आप अपने आप की एक्टिविटी क्या कर रहे हो वो मैनेज कर सकते हो. सो मैनेज योरसेल्फ. एग्जाम्स इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योरसेल्फ देन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, है ना. सब्जेक्ट तो आपको कोई एक सब्जेक्ट है 8 में से जो बिल्कुल ही नहीं समझा आपको, कि नहीं सर ये सब्जेक्ट ही नहीं समझा. है किसी का कोई पूरा सब्जेक्ट, कुछ कुछ समझा सबका, कुछ भी नहीं समझा? नहीं तो वो तो गलती हुई ना फिर आपकी. क्लास ही नहीं किया तो आपके पास टाइम था 6 महीने का, क्लास ही नहीं किया तो वो आपकी प्लानिंग एरर थी उस समय की. बट अज्यूमिंग कि सबने क्लासेस कर लिया, आज आप सेशन में बैठ रहे हो अगले 3 महीने की प्लानिंग के लिए, तो अभी क्लास करो ये तो एडवाइस नहीं दे सकता मैं. इट इज अज्यूमिंग इन जनरल कि सब लोगों ने क्लासेस कर लिया है. एंड दैट वॉज टोल्ड टू यू आफ्टर यू पास्ड योर सीए फाउंडेशन एग्जाम. तब हम लोग ने सेशन लेके समझाया था ऐसे ऐसे क्लासेस कर लो तो आपका पढ़ाई हो जाएगी. क्लास ही नहीं किए तो सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए था, वो भी नहीं किए तो अपनी गलती एक्सेप्ट करना पड़ेगा. कर लोगे तो समझ जाएगा, पढ़ लोगे तो समझ जाएगा सब्जेक्ट जो भी है. तो बात वही है कि अपने को इंडिविजुअली सब्जेक्ट समझ जाता है, बट एक साथ जब इतना सारा देखते हैं तो नहीं समझता है. सो दिक्कत सब्जेक्ट की नहीं है, दिक्कत खुद की है कि हम लोग इतना सारा इनॉर्मस टास्क को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. हम लोग जब सब्जेक्ट ए पढ़ रहे हैं तो हमको सब्जेक्ट बी का टेंशन आ रहा है. हम लोग जब अकाउंट्स का, आपको कौन सा चैप्टर है, अमलगमेशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको तब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैपिटल बजटिंग का टेंशन आ रहा है, जिसका कोई संबंध ही नहीं है आपस में. और अगर प्लान बना हुआ रहा तो आपको पता है कि चलो अभी अकाउंट्स का टाइम है, अभी अकाउंट्स पे ध्यान देते हैं. कैपिटल बजटिंग का थॉट आया भी दिमाग में तो एक दूसरा थॉट आ जाएगा, उसका टाइम स्लॉट रखा है ना, तब कर लेंगे. ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हर चीज का टाइम है ना. यू कैन नॉट डू ऑल 8 सब्जेक्ट्स इन 1 आवर. आप क्या सब सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना चाहते हो ऐसे? और इवन इन 1 डे, कई लोग वैसा करते हैं, एक दिन में 8 सब्जेक्ट करते हैं, एक एक घंटा, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा. मुझे वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता है. किसी किसी के लिए इंडिविजुअली हो सकता है वर्क कर जाए, बट मुझे लगता है कि एक दिन में 3 या मैक्सिमम 4 बहुत हो गया, उतने सब्जेक्ट्स करो. मैं आपको प्लानिंग उस हिसाब से बना करके दूंगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो. क्योंकि कोई सब्जेक्ट में लिंक बनती है, मोमेंटम बनता है और फिर वो ब्रेक हो जाता है अगर आप 8 सब्जेक्ट करने को जा रहे हो तो. एंड व्हेन इज इट पॉसिबल, व्हेन कैन यू डू इट? जैसे आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस चल रही थी तो हम लोग अगस्त महीने में टेंशन ले रहे थे कि यार ऑडिट का सिलेबस कैसे होगा. हमको पता था उसका टाइम स्लॉट रखा है ना, तब हो जाएगा. तो जिसका जो टाइम है उस समय वो करना है, बस इतना ध्यान रखना है. वैसे अभी तक आपके लाइफ में, आप मानोगे नहीं लेकिन अभी तक की रिलैक्स टाइम था, क्लासेस का टाइम रिलैक्स टाइम था. ओके, आप अभी कितना भी बोल दो बट अभी एक्चुअल आपका फोकस टाइम रहेगा. एट दैट टाइम यू आर रिलैक्स्ड कि भाई आराम से टीचर लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने को तो बैठ के शो देखना है. और अब जब ये आखिरी के 3 महीने हैं, अब टीचर भी नहीं है,
अब सिर्फ आपको दे दिया ओपन एरिना, सब लोग अपना अपना करो और फोकस अपना कैसे मैनेज करते उसका गेम है। सी ए रिजल्ट इज मोर अबाउट हाउ यू मैनेज योर सेल्फ देन हाउ यू मैनेज योर टाइम और हाउ यू मैनेज योर सब्जेक्ट्स और हाउ यू मैनेज एनीथिंग एल्स, हाउ यू मैनेज योर सेल्फ, ओके, व्हाट स्टोरी यू टेल टू योर सेल्फ। तो उसका ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एंड एज आई टोल्ड यू बी कंसिस्टेंट, ओके, डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, रिपीटेशन इज द की, जो मैंने आगे लिख के ही रखा है कि रिविजन इज द की। आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतने वो चीजें स्ट्रांग होते जाएगी। अगर आपको लगता है कि एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और वो एक बार बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आपने 2.5 महीने लगा दिए, हो गया, गेम ओवर, नवंबर की तैयारी करो। 15 अप्रैल तक अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो रही है तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मे एग्जाम, बिलीव मी। आप अगर 15 मार्च तक के करते हो तो बोध रूप देने का सोचो, हम लोग प्लान बनाएंगे। 15 मार्च तक के अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होती है तो फिर आप रिवाइज कर पाओगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स। आई रियली होप अभी सेकेंड ग्रुप में स्पेशली आप थोड़े ज्यादा सीरियसली घर पे पढ़ाई किए हो, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो मुझे मिले, बात किए, बताए, तो बोले हाँ सर सेकेंड ग्रुप में हम थोड़े से पहले से सीरियस थे। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, स्टार्टिंग में तो सीपीटी का ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, फाउंडेशन का, कि अपने को कौन रोक सकता है। फिर धीरे धीरे जब पता चलता है कि कितना सारा है, तब तक के फर्स्ट ग्रुप खत्म होने में आ जाता है। तो आई होप आपने अभी तक किया है, बट हमारा आज का सेशन उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्लासेज अटेंड किया है, वो भी ऑन एंड ऑफ, मतलब किसी दिन अटेंड नहीं किया, किसी दिन बैठे थे बट सोए थे, किसी दिन ध्यान नहीं था, किसी दिन भूल गए, जो भी है, नोट्स नहीं बनाए, वो स्टूडेंट भी अभी भी पास हो सकते हैं। क्योंकि मैं खुद जब स्टूडेंट था तो मैं लॉ की क्लास लगाया तो था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज आउटसाइड द क्लास समवेयर एल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द क्लास। तो द थिंग इज, बाद में लेकिन मैंने कवर अप कर लिया, इवन टैक्स मैंने क्लास किया था, लेकिन मैंने बाद में सेल्फ स्टडी ही किया था, लेकिन वो किया था। और पीसीसी के एग्जाम के पहले मैंने बहुत सारे और इवेंट्स में भी पार्ट लिया था, सीए इंस्टीट्यूट के भी इलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में लिया था, हमारा ऑफिस था तो उसमें भी मैं कभी आउटस्टेशन वगैरह काम के लिए भी मना नहीं करता था, सब कुछ किया था। आखिरी संडे तक के एग्जाम के पहले आखिरी संडे तक के हर संडे नियम से क्रिकेट खेलते थे हम लोग, बस एग्जाम के बीच के जो एक दो संडे थे उसमें नहीं खेले थे। तो आई यूज टू डू दैट, बट हैविंग इट क्लियरली इन माइंड कि भाई ये समय खेलने का है तो अभी खेल रहे हैं, जो समय पढ़ने का है उसमें पढ़ेंगे। डू वॉट इज सपोज टू बी डन। होता क्या है, मस्ती के समय तो अपन फुल फ्लेज्ड मस्ती कर लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, उसके लिए कोई सेशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके, बट पढ़ने के समय हम लोग पढ़ने नहीं बैठते हैं। एक सिंपल सी बात है, आपकी पढ़ाई है तो आपको खोल के पढ़ना होगा, नहीं सर बोर होती है, सर मन नहीं लगता है। तो अभी मैं नीरज सर के साथ कुछ सेशंस ले रहा हूं कुछ दूसरे स्कूल्स में कॉलेजेस में, तो नीरज सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बच्चों को पूछते हैं कि आपके स्कूल का टिफिन कौन बनाता था आपके लिए, टिफिन कौन बनाता था आपके लिए, आप खुद बनाते थे सुबह उठ के रोज, फिर मम्मी, नॉर्मली सबकी मम्मी बनाती थी टिफिन, तो सच ए बोरिंग टास्क ना, रोज सुबह बच्चे से पहले उठो, उसका टिफिन बनाओ, उसको दो, वो खाएगा, उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी, मम्मी को क्या फायदा है, मम्मी के एंगल से सोचो कितना बोरिंग काम है रोज का, रोज टिफिन बनाओ अपने बच्चे के लिए, बट फिर भी बनाती थी, कभी कंप्लेन किया कि नहीं आज से तेरा टिफिन बंद, आज से नहीं बनाती, बोल क्या कर लेता, क्या करते थे आप, कुछ नहीं कर सकते, बट उन्होंने बनाया, उनको बोर हुआ होगा फिर भी बनाया, क्योंकि उन्होंने काम को अपना माना, उन्होंने वो काम में ये नहीं देखा मजा आ रहा तो करेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं करेंगे। पढ़ाई में भी अपना मान के करो, ऐसा मत देखो कि आज मूड है तो आज कर लेते, कल नहीं है तो कल नहीं करेंगे, क्या मजाक मस्ती चल रही है क्या। आपको अपनी एग्जाम क्रैक करना है जहां पर यू नीड सम सीरियस फोकस्ड एफर्ट। तो समटाइम्स इवन इफ यू मे नॉट लाइक टू डू इट, यू विल हैव टू डू इट, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। एंड यू विल नॉट बिकम अ सीए जस्ट ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट, यू आर बिकमिंग अ सीए थ्रू दिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज मेकिंग यू अ पर्सन हु विल बी एंटाइटल्ड फॉर सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड्स। जब आप सीए बन जाओगे आपको कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, अब यश आया तो आपने उसके लिए क्लैप किया, यश कहीं जाएगा कंपनी में उसको जॉब मिलेगा, उसको सीधा कुछ सैलरी ऑफर हो जाएगी जस्ट बिकॉज ही इज अ सीए। सो व्हाई, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट नाउ दैट ही इज अ सीए, ही हैज बीन थ्रू अ सर्टन प्रोसेस विच हैज मेड हिम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आई से दैट सीए इज अ जर्नी फ्रॉम चाइल्ड टू अडल्ट, सी
टू ए, इजंट इट? तो आप ये जर्नी में आप ग्रो हो रहे हो. यानी ग्रोथ का पार्ट होता है कि अनकंफर्ट जोन में रहना, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना. अगर हाँ बस जब कंफर्टेबल है तो पढ़ लिए और नहीं है तो नहीं पढ़े, तो ऐसे से काम नहीं बनेगा. ऐसे से तो आपको 10 साल लग जाएंगे, सीए नहीं हो पाएगा. आपको कभी कभार वो भी चीज करना पड़ेगा जिसको करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है. यू विल हैव टू डू इट. ओके, मतलब टेक इट, मेक इट एज इंपॉर्टेंट एज इज द लाइफ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर और क्लोज रिलेटिव. अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, ओके, मान लो आपकी ड्यूटी है कि सुबह 6 बजे से आपको उनके पास रहना है, तो आपकी सुबह 5:30 बजे नींद खुली और आप सोच रहे हो जाने दे यार अभी 2 घंटे सो जाते, वो देखते बैठेंगे अपना, ऐसा सोचोगे कि जाओगे? उठ के जाओगे? कितनी भी नींद आ रही तो भी जाओगे? रात को 3 बजे सोएंगे तो भी जाओगे? बिकॉज यू हैव मेड इट अ प्रायोरिटी. वैसे ही पढ़ाई अगर प्रायोरिटी है, आपने डिसाइड कर लिया सुबह 6 बजे पढ़ाई से मिलना है तो मिलना है, फिर रात को टाइम वेस्ट क्यों किया? वो आपकी प्रॉब्लम. आपने प्लानिंग जो करना है बराबर करना है, उसमें नींद का स्लॉट रखना है. मतलब प्लान ही एकदम अनफिजिबल प्लान मत बना लो कि रात को 3 बजे तक पढ़ूंगा फिर सुबह 5 बजे से उठ के वापस. एक हाथ 2 दिन कर लोगे 2 घंटे सो के, बाकी दिन आपको सस्टेन भी तो करना है, आपको 3 महीने तक सस्टेन करना है. तो आप इंडिविजुअली देखो कि आप इंडिविजुअली कितनी नींद में आपका काम होता है. मुझे तो 8-9 घंटे की नींद लगती थी, कभी कभी तो बहुत ज्यादा. मतलब गिवन अ चॉइस में तो 12-14 घंटे भी सो सकता हूँ. मतलब पीसीसी के प्रिपरेशन लीव में मैं एक बार रात को 2 बजे सोया था, अगले दिन शाम को 4 बजे उठा था और मैंने मेरे फ्रेंड्स को मैसेज किया था, बट मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया. 2 बजे तक भी पढ़ाई किया था, अगले दिन उठ के भी पढ़ाई शुरू कर दिया था क्योंकि बहुत मेंटल थकान हो गई थी. और मेरे पेरेंट्स को लगता था बेचारा बहुत पढ़ रहा है, थक रहा है, तो उठाते नहीं, उनको लगता है कि बहुत थका हुआ है. लेकिन आई रिमेंबर दैट, बट फिर भी मैंने ओनरशिप के साथ पढ़ाई कर लिया, कंप्लीट कर लिया. सो आप लोग भी जो प्लान बनाओगे उसमें अपने बॉडी के हिसाब से, अपने आप की स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जानते हुए, आप उसमें सोने का टाइम स्लॉट डालो, एक्सरसाइज का टाइम स्लॉट डालो, जो अदर एक्टिविटीज आपको करना है. जैसे यश ने कहा कि 2 घंटे दिन के डिसाइड कर लो कि जिसमें आपको खाना पीना नहाना धोना बाकी एक्टिविटीज करना है, और उसको भी बड़े जुडिशियसली यूज करो बिकॉज द स्कार्स रिसोर्स हियर इज टाइम. अभी पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, अभी आपको गाइडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप आ जाओ और 6 महीने हम आपको पढ़ा देते हैं, अगली बैच में आ जाओ, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओनली प्रॉब्लम इज कि एग्जाम मई में आ जाएगी और मई मई में ही आने वाला है इस साल, तो टाइम अपने पास में लिमिटेड है ना. इस साल लकीली एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया लीप ईयर होने के कारण, तो बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा और बोनस नहीं है, टाइम तो लिमिटेड है. तो अब अगेन हम वो टाइम को लैप्स होने देते हैं कि हम लोग उसका बेस्ट निकालते हैं, वो हमारे ऊपर है. एंड अभी आप जो सीखोगे वो आपको कोई लिखने की भी जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आपकी हैबिट बन जाएगी. सीए फाइनल में ऑटोमेटिकली आप वो चीजें अप्लाई करोगे. अभी जितने सही अप्रोच से पढ़ाई करोगे, जितना ज्यादा सिस्टम वाला काम करोगे, स्ट्रेट ड्राइव वाला काम करोगे, उतनी पॉसिबिलिटी सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बनने की रहेगी. और अभी जो ब्लंडर्स करोगे फिर वो हैबिट बन जाएगी कि अभी अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो पढ़ाई के अप्रोच में कि बिना प्लानिंग के शुरू कर दिए देखते क्या होता है, या अभी से एक ग्रुप कर लेते हो दूसरे ग्रुप के 2 पेपर एग्जेम्प्ट कर लेंगे, ये जो प्लानिंग है ये तो प्लानिंग सबसे बकवास लगती है मुझे, जो भी आपको गाइड करते होंगे ऐसा कि एक ग्रुप कर लो दूसरे ग्रुप के 2 पेपर एग्जेम्प्ट कर लो. आप इतने स्मार्ट हो कि 2 पेपर एग्जेम्प्ट कर सकते हो तो इतने भी स्मार्ट होंगे कि 4 पेपर क्लियर कर सकते हो, इतनी ओवर प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो. और ऐसे स्टूडेंट वो 2 पेपर तो एग्जेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और ये फर्स्ट ग्रुप में भी एग्रीगेट मार्क्स नहीं ला पाते हैं. तो मैं तो हमेशा बोलता हूं भाई या तो फर्स्ट ग्रुप पूरा अच्छे से करो या तो बोथ ग्रुप पूरा अच्छे से करो. ओके, ना एक्सेप्शनल केस में कोई स्टूडेंट रहते हैं, नहीं सर हमको सिर्फ सेकेंड ग्रुप अच्छे से करना है, कर लो भाई, लेकिन बाद में आर्टिकलशिप के साथ दिक्कत जाएगी. तो या तो फर्स्ट ग्रुप बहुत अच्छे से कर लो, फर्स्ट ग्रुप ही दो पहले से डिसाइड कर लो, या तो बोथ ग्रुप बहुत अच्छे से कर लो. और अगर आपको डाउट है सर हम अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे, फाइन, अभी एक डेट तक के से आज से 25 दिन 20 दिन आप एक डेट डिसाइड करो, कट ऑफ डेट, तब तक कि सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की पढ़ाई करो. अगर वो बहुत अच्छे से हो जाती है तो फिर आप तब कॉल लेना कि आप सेकेंड ग्रुप कर ले कि नहीं करें. सी इट डिपेंड्स ऑन यू एंड नोबडी, यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीबॉडी एल्स, क्योंकि सबकी अभी 6 महीने में पढ़ाई अलग अलग लेवल की हुई है, सबकी रीडिंग स्पीड अलग अलग है, सबके क्लास में ग्रास्पिंग अलग अलग हुई है, सबका सिचुएशन अलग है. हो सकता है किसी के घर में शादी आने वाली जिसमें 5-6 दिन जाने वाले हैं, हो सकता है
बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, अनएंटिसिपेटेड चीजें हो जाती, तबीयत खराब हो गई, तो आपको उस समय अपने सिचुएशन के हिसाब से कॉल लेना होगा. बट बी कंफर्टेबल विथ योर चॉइसेस, टेक ओनरशिप ऑफ योर चॉइसेस. ठीक है, सो प्लान जो भी करोगे, रिविजन इज द की. ओके, हम लोग प्लान में रिविजन्स को डालेंगे मल्टीपल टाइम्स, टेस्ट सीरीज को डालेंगे, बिकॉज जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एग्जाम में आपको कंफर्टेबल लगेगा. इमेजिन आप सिर्फ क्रिकेट मैच खेलना है आपको प्रॉपर, और आपकी टीम उतरी थी ना मैदान में, और आप नहीं होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, तो खेले थे, दैट इज इंपॉर्टेंट. मैं आने वाला था लेकिन सुबह सुबह बहुत जल्दी मैच थे आपके, तो आप सिर्फ नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन मैच सिचुएशन में आप उतरे तो आपको पता ही नहीं कि मैच में प्रेशर अलग टाइप का होता है. करेक्ट, जब आप घर पे पेपर सॉल्व कर रहे हो घर पे, या क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो अकाउंट्स कॉस्टिंग, तो प्रेशर नहीं है, टाइम का भी प्रेशर नहीं है, ना कोई उसमें वैल्यू करने वाला है, तो आप तब ही अच्छा कर लोगे. लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज के एनवायरमेंट में पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता है कि 3 घंटे में इतना करना ही करना है, वैल्यू होके मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आप उसके प्रेशर से अच्छा पढ़ लेते हो. एंड अगर हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगाते हैं, नहीं देते हैं, तो वही होता है कि हमारे पास कोई टारगेट डेट नहीं रहती है माइंड में कि 15 तारीख नहीं तो चल 22 तारीख तक कर लेंगे, 22 तक नहीं हो चल 25 तक कर लेंगे, फिर चीजें ड्रैग होती हैं. और पता है कि टेस्ट सीरीज तो 15 तारीख बोला है, तो 15 तारीख को आनी वाली है, शेड्यूल मिला आपको, तो मैंने खुद ही बनवाया वो, तो 15 तारीख बोला तो 15 तारीख को आनी वाली है, इट विल नॉट चेंज नो मैटर वॉट. तो हमको उस हिसाब से अपने आप को रेडी करना है, हमको उसको चैलेंज लेके करना है. मैं तो कहता हूं इफ यू गिव योर टेस्ट सीरीज एज इफ इट इज योर मेन एग्जाम, यू विल बी एज कूल इन योर मेन एग्जाम एज इफ इट इज योर टेस्ट सीरीज. मतलब उसका टेंशन नहीं रहेगा आपको, मेन एग्जाम भी जस्ट अनदर मैच. इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मैचेस में, फाइनल मैच में उनका इंटरव्यू होता है, हाउ आर यू फीलिंग, इज इट अ वेरी स्पेशल मैच, बोलते हैं नहीं, वी आर टेकिंग इट एज जस्ट अनदर मैच. तो अगर जस्ट अनदर पेपर बोल के लोगे आप सीए फाइनल या सीए इंटर की मेन एग्जाम को, तो इट विल बी मच बेटर. आप जितना माइंड में उसका हवा क्रिएट करोगे और ये मेन एग्जाम है, तो उतनी वहां पर मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर चीजें एम्पलीफाई होती हैं. एक क्वेश्चन गलत हुआ तो हमको डर 4 टाइम्स लगता है, उसका इंपैक्ट बाकी क्वेश्चंस पे आता है. और टेस्ट सीरीज दिया है तो हमको पता है कि चल एक गलत हुआ तो दूसरा सही कर लेते, कैसे कैसे मार्क्स हमको करना है. आप में से जो लोग सीपीटी पैटर्न से आए, आपने तो शायद 8 राउंड कुछ दिया था, 6 सीपीटी पैटर्न में, तो आप लोग की कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी तब टेस्ट सीरीज की. अभी भी आप लोग के हम क्लास टेस्ट इसीलिए रखते थे ताकि आपको वो गिवन 1.5 आवर में 50 मार्क्स की प्रैक्टिस होना चाहिए. आई ऑलवेज टोल्ड यू मार्क्स उसके उतने मैटर नहीं करते हैं, लेकिन वो हैबिट रखो पेपर लिखने की, बिकॉज एट द एंड आपको जितना भी आता होगा, अगर आपको लिखते नहीं जम रहा है, यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम. यू आर नॉट गोइंग टू बी जज्ड बाय योर नॉलेज, बट हाउ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर नॉलेज. तो इसलिए प्रैक्टिस करना है जम के. अब अप्रोच में थोड़ा सा, ये तो कॉमन बातें किया मैंने आपसे कि आपको ट्रस्ट करना है, प्लान बनाना है, टेस्ट सीरीज देना है, बहुत रिविजन्स करना है, दीज आर द बेसिक्स. अगर ये बेसिक्स पे टिक लग जाए कि हाँ ये सब चीजें किया है, टिक 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 टिक, तो आप पास हो जाओगे. कुछ चीजें और हैं जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, तो थोड़ा बहुत मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे बात कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट. ओके, मैंने भी सी इंटरमीडिएट पास किया है, तो सभी सब्जेक्ट्स मैंने देखा है एक बार. तो हम लोग ब्रॉडली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, एडवांस्ड अकाउंट्स, टैक्सेशन इज अ मिक्स, बट मोर आई विल कंसिडर इट एज अ थियरी सब्जेक्ट, बिकॉज उसमें अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, लॉ अच्छे से पता है, तो आंसर सॉल्व करना बहुत आसान काम है. आपको अगर पता है कि ये सर्विसेज में ऐसा एग्जेम्पशन मिलता है, तो उसके आंसर में आपको सिर्फ एग्जेम्प्ट या नॉट एग्जेम्प्ट लिख के आपको नोट्स लिखना है. सो इट्स मोर ऑफ अ थियरी सब्जेक्ट. अगेन टैक्सेशन, लॉ, ऑडिट एंड EISSM थियरी सब्जेक्ट्स. करेक्ट, थियरी सब्जेक्ट्स में आपको बेनिफिट ये है कि 30% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है. सो यू शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. उसमें आप रिस्क भी ले सकते हो, लेकिन उसकी सिचुएशन नहीं आना चाहिए. मैंने आप लोगों की क्लास टेस्ट में ऑब्जर्व किया कि MCQs के कारण आपके मार्क्स कम हो रहे थे, क्योंकि आपकी एकदम क्लैरिटी से पढ़ाई नहीं हुई थी. आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उस समय आपकी बहुत क्लासेस चल रही थी, आपको
एक एक सब्जेक्ट के लिए भी उतना टाइम नहीं मिल रहा था, एंड आपकी टेस्ट भी हर तीन तीन दिन में ऑलमोस्ट एक एक टेस्ट हो रही थी. तो बट अप टिल द मेन एग्जाम्स अगर आप रिपीटेड पढ़ाई नहीं करोगे तो एमसीक्यूज में अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं. टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट का जो मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे अच्छे से पता है, ऑप्शंस वो लोग कंफ्यूजिंग देंगे, जिसमें आपको चलो चार में से दो तो एलिमिनेट हो गए, बाकी के दो ऑप्शन कंफ्यूज कर जाएंगे, तो आपको लगेगा भी कि सही जा रहा है सही जा रहा है, बट एंड में मार्क्स कम मिलेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि हर जगह आप सिर्फ लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की सर्विस एग्जेम्प्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो आप बोलोगे गवर्नमेंट है तो होना चाहिए, आपने कर दिया गवर्नमेंट सर्विसेज आर ऑलवेज एग्जेम्प्ट. बट फिर अगर आप स्पेसिफिकली पढ़े रहते थे तो रहता था एग्जेम्प्ट इफ प्रोवाइडेड टू नॉन बिजनेस एंटिटीज या जो भी उसके एक्सेप्शन है उसको हटा के. तो आपको बहुत स्पेसिफिक पढ़ना होगा और वो स्पेसिफिक चीजें एक रीडिंग में नहीं होती हैं. इनफैक्ट एक बार में आपको कुछ भी बताया तो आपको नहीं ध्यान में रहता है, एक बार में एकदम से नहीं स्ट्राइक होता है. जैसे सिंपल सी बात है कि एकदम सिंपल सी बात है, मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया आपको फॉलो करना है. समझो मैंने आपको क्लैप बोला तो आपको क्लैप करना है सिंगल टाइम और थोड़ा आवाज कम, हाँ क्लैप. नोज, नोज बोला तो अपना नोज पकड़ना है ऊपर से, ओके सर्दी के दिन है तो नोज इयर्स क्लैप, नोज इयर्स, नोज इयर्स, नोज क्लैप इयर्स, नोज इयर्स, नोज इयर्स. देखो भक्ति आपके नोज इधर है इयर्स इधर है. तो एक बार में बोले तो समझ में नहीं आती है बात. ये टास्क की अगर आप एक घंटे तक प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ जाएगा कि मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है, मेरे एक्शंस पे ध्यान नहीं देना है. प्रैक्टिस से आप ये इसमें बेहतर हो जाओगे. कोई भी चीज में प्रैक्टिस से बेहतर हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? कोई भी चीज में प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बेहतर हो जाओगे. बीट एनी थिंग, ओके वेदर इट इज ड्राइविंग. जब आप लोग ने फर्स्ट टाइम टू व्हीलर सीखा था तो बहुत ही खराब चलाया होगा, बार बार ब्रेक मार मार के. गर्ल्स का तो मैं बोल ही नहीं सकता अभी भी वैसे ही चलाते हो, अरे दोनों पैर नीचे नहीं मैं देखता हूं. और यहां से तो सब ऐसे रॉन्ग साइड निकलते हैं. तो लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अभी तो मतलब यहां पर ईयरफोन भी है तो भी अपन बराबर चला लेते हैं, दो गाड़ियां जा रही उसके बीच में से निकाल लेते हैं. हम लोग एक्सपर्ट हो गए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत हो गई. कोई भी चीज हम लोग अगर रिपीटेडली करें तो उसमें हम अच्छे हो जाते हैं. चलो इसमें थोड़ा चेंज करता हूं, मैं देखता हूं कि आपको एक बार में बोला हुआ ध्यान रहता है कि नहीं. क्लैप बोला तो नोज पकड़ना है, नोज बोला तो ईयर्स पकड़ना है, ईयर्स बोला तो क्लैप करना है. चलो क्लैप, नोज, ईयर्स, ईयर्स, ईयर्स मतलब क्लैप. रिवाइज करना है, देखो रिविजन इज सो इंपॉर्टेंट. क्लैप बोला तो नोज पकड़ना है, नोज बोला तो ईयर्स पकड़ना है, ईयर्स बोला तो क्लैप करना. ये तो सिर्फ तीन वर्ड्स का रिविजन इतनी बार करना पड़ रहा है. यहां पर तो बड़े बड़े चैप्टर है, एक एक सब्जेक्ट में 20-20, 25-25, तो उसका तो रिविजन करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. क्लैप बोला तो नोज, नोज बोला तो ईयर्स, ईयर्स बोला तो क्लैप, तो क्लैप. पांडे जी तो खेल नहीं रहे, बोले सर देख लो आप कैसा करना है. ओके नोज ईयर्स, ईयर्स क्लैप. अगेन मुझे बताओ अगर ये एग्जैक्टली ये टास्क का अगर मैं आपका आज आज आपको आधे घंटे तक खिलाऊ, फिर कल भी हाफ एन आवर खेले हम लोग, रोज आओगे? रोज सुबह 6:30 से 7 हम लोग खेलेंगे, ठीक है, परसों भी खेलेंगे. अगर हम लोग 30 अप्रैल तक ही रोज हाफ एन आवर खेलते रहे तो फर्स्ट मेरे को आपकी कॉन्टेस्ट रखी जाएगी ऑल ओवर इंडिया, सब स्टूडेंट के साथ में कॉम्पिटिशन. बाकी बच्चे पढ़ के नहीं आए तो आप लोगों का ऑल इंडिया रैंक आने वाला है. बस पढ़ाई में भी वैसा ही है, अगर आप रोज जो पढ़ाई करना है करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे रोज, तो यू विल बी बेटर इन दैट, यू विल डेफिनेटली बी बेटर इन दैट. समझ में आ रहा है? रोज अगर आप वो करोगे, आपको पहले दिन पहले एक महीना क्लास सुबह से लेकर के शाम तक की जो चलती थी आपको बहुत हेक्टिक लगता था, जबकि तब तो हम संडे को भी छुट्टी देते थे. लेकिन अभी तो आपकी 26 जनवरी को भी क्लासेस होती है, तो भी अब आपकी आदत सी हो गई है कि उठो चलो बैठो, है ना, रोबोट मोड में आने लग गए हो. बिकॉज हैबिट्स आर हाउ वी सेट देम, है ना. अभी आप पढ़ाई करोगे, अभी स्टार्टिंग से अगर आप हैबिट रखोगे कि रोज अपन 6-7 घंटे पढ़ेंगे अपने से उतना ही होता है, तो वो हैबिट बन जाएगी, आपका मेंटल कंफर्ट जोन उतना रहेगा. लेकिन अगर आप अपने आप को स्ट्रेच करोगे तो
आप दिन में 12 घंटे 13 घंटे भी पढ़ सकते हो, एंड यू विल सी इट इज रिक्वायर्ड. तो एज फार एज द सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, आपको बहुत मेटिकुलसली रिविजन करना होगा थियोरी सब्जेक्ट्स के, बहुत मेटिकुलसली बार बार पढ़ना होगा. उसके लिए पहली बार आपको मार्किंग करना होगा. एज फार एज ऑल द फोर थियोरी सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, आपकी बुक में या अलग से नोट्स में सब चीजें मार्क्ड रहना चाहिए, सो दैट योर एवरी नेक्स्ट रीडिंग इज टेकिंग लेसर टाइम देन योर प्रीवियस रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रीडिंग में आपको से सैलरीज चैप्टर में आपको 3 घंटे लगे फर्स्ट रीडिंग में, तो सेकेंड टाइम आपको 2 घंटे लगना चाहिए, थर्ड टाइम आपको 1 या 1.5 आवर लगना चाहिए, एंड लास्ट टाइम आपका 1/2 आवर में हो जाना चाहिए पलटा के एग्जाम के दिन 20 घंटे जब मिलते हैं. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि पहले से आपको ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि अभी कर लेते हैं और बाद में देखेंगे, जिसको इंटरेस्ट नहीं उठ के जा सकते हैं, जिसको अपनी चकलस करना है. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं बेटा आप लोगों से डिस्कशन करने में, जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए सेशन है. आपको समझ रहा है, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेशन लेने की. जिनको जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हो तो आप उसको जितना टाइम दे रहे हो बिल्कुल मार्क करके रखो कितना टाइम लग रहा है, उसी में चीजें मार्क कर लो कि अब सेकेंड टाइम ये चीजें नहीं पढ़ना है. कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे थियोरी में जो नहीं पढ़ना है सेकेंड टाइम, कुछ चीजें रहेगी जिसको आप शॉर्ट कर सकते हो. कई बार हेडिंग में जो लिखा रहता है वही बाद में डिटेल में एक्सप्लेन रहता है, सिर्फ इंग्लिश में रहता है डिटेल में, तो फिर बार बार नहीं पढ़ना है अपने को. कीवर्ड्स मार्क कर लिया, जैसे मुझे याद आ रहा है हम लोग ने एक डॉन फियर करके एक्रोनिम बनाया था एग्जेम्पशन चैप्टर में, आपको भी हल्का हल्का याद आ रहा होगा, बहुत पहले 2019 में कभी पढ़े थे एग्जेम्पशन चैप्टर में, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, किसी किसी को तो हाँ इनकम टैक्स में, जीएसटी में ट्रांसपोर्टेशन के केस में डॉन फियर हम लोग ने पढ़ा था. तो अब वो पूरे पॉइंट्स बार बार रिकॉल करने के बजाय एक्रोनिम बना लिया, नेक्स्ट टाइम एक्रोनिम के पॉइंट्स याद कर लिया मेंटली, तो आपको कम टाइम में हो गया. तो पहली बार थोड़ी मेहनत लगेगी, स्टिल हैव अ कट ऑफ टाइम थियोरी सब्जेक्ट्स में भी. पहली बार आपको नंबर ऑफ पेजेस पे ध्यान देना है कि 1 घंटे में आपकी क्या स्पीड से काम हो रहा है, 1 घंटे में आप कितने पेज कर पा रहे हो, 10 पेज 12 पेज 15 पेज आपको देखना है, अपने आप को एनालाइज करो. हो सकता है कोई बुक के आप सिर्फ 6-8 पेज कर पा रहे हो, कोई बुक के 15 पेज कर पा रहे हो डिपेंडिंग ऑन फॉन्ट साइज एंड द कंटेंट, ठीक है, कोई बुक के 20 पेज कर पा रहे हो, वेरी गुड. लेकिन सेकेंड टाइम आपकी स्पीड इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि आपको अगली बार वो पेज पूरा नहीं पढ़ना है, और पढ़ना भी है तो पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा जाना पहचाना लगता है, करेक्ट. नीरज सर भी ऐसा आइए, आई हैड इनवाइटेड हिम स्पेशली. सर मैंने जहां तक लिया है वहां तक आपको बता देता हूं, यहां से यू कैन, मतलब आई वॉज टेलिंग देम अबाउट द अप्रोच टुवर्ड्स द थियोरी सब्जेक्ट्स, कि नंबर ऑफ पेजेस वाइज अपने को कंट्रोल रखना है, एंड बाकी ओवरऑल अप्रोच की बात हुई है, बाकी तो आप एक्सपर्ट हुई. तो गुड इवनिंग एवरीवन. अभी ना हम दोनों ने जॉइंट सेमिनार्स देना शुरू किया है काफी जगह, तो हम दोनों रैंडमली 1 by 1 नहीं बोलते, 1 by 1 आई मीन ऐसा होता ना कि 15 मिनट तुम बोल रहे हो फिर 15 मिनट में, ऐसा नहीं, रैंडमली ऐसे ये कुछ बात कर रहे हैं तो मैं उसमें से एक्सटेम्पो उसमें से एक वर्ड उठा के वहां से शुरू करूंगा, फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ ये वहां से शुरू करेंगे, तो सॉर्ट ऑफ चलते रहता है. तो इसलिए एक एक मैसेज ऐसा हमारा डिवाइडेड नहीं होता कभी भी कुछ भी. तो थिंग इज अगर आपको समराइज करूँ इंटरमीडिएट के बारे में, तो द थिंग इज सबसे पहले तो सर ने भी आपको बोला होगा कि आपका एक गोल होना चाहिए, है ना, एंड आई एम नॉट जस्ट टेलिंग कि आपका वो एक टारगेट हो जो कितने मार्क्स आप लाना चाहते हो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अगर वो एक टारगेट रहा तो. और एक बड़ा टारगेट के बाद आपको उसे ब्रेक करना होगा छोटे छोटे टारगेट्स में, क्योंकि ना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ऐसे टाइम पे जब एग्जाम चालू है, मतलब एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो वो पढ़ाई के साथ बने रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बचपन से अपने को आदत नहीं है, है ना, अपने को भटकने की आदत बहुत रही है पहले से, तो नॉर्मल है एकदम, है ना. तो अपना जो सर मैं पेंसिल यूज करूँ क्या, ब्लैंक पेज मिलेगा, नहीं ब्लैंक पेज, ठीक है ठीक है, वाइट अभी यार हमारा बहुत कुछ खराब चल रहा है. तो टाइम हमेशा सही होता है, बस हमें खराब लगता है. तो हमारी लाइफ ना ऐसे दो बोट के समान चलती है, हर किसी के माइंड वर्क्स लाइक टू बोट्स, हर किसी का माइंड दो बोट के समान काम करता है. ये कोई कोई लोग हिंदी में स्पिरिचुअलिटी में से राम और रावण कहते हैं, कोई कोई लोग इसे कॉन्शियस सबकॉन्शियस अलग अलग नाम है. तो द थिंग इज ये जो पहली बोट है ये हमेशा
ये असली में चलती है एक्शनेबल बोर्ड और ये अपना चलाने का ट्राई करती है. तो द थिंग इज आपको मतलब ये चलती है और ये एक्चुअल में चलती है. आई होप आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ. तो माइंड में हमेशा सिचुएशन आती है कि ये कहता है कि ऐसा करो वैसा करो, बट आपको यहाँ रहना है. एंड वेरी डिफिकल्ट, आपने सुना होगा दो बोर्ड में सवार नहीं होना चाहिए, बट समहाउ ह्यूमन माइंड दो बोर्ड में ही सवार होता है. तो आप जो भी सोचते हो वो यहाँ पे होता है. कुछ डमी थॉट्स जो चलते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पेपर देखने के पहले मैं फेल हो जाऊंगा सॉर्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल थॉट हो गया. और ये आपका हार्डवर्क वाला थॉट कि मुझे इतनी इतनी मेहनत करनी है. तो थिंग इज जब गोल स्ट्रांग रहा तो आप प्रॉपर इस बोर्ड में बैठे रहोगे. ये साइड बाय साइड चलेगी हमेशा, जिंदगी भर चलेगी. फॉर एग्जाम्पल आपने सदगुरु को देखा होगा, वेरी एनलाइटेंड पर्सन, तो वो इस बोर्ड में बैठे अच्छे से और ये बोर्ड उनकी साइड में फिर भी आती है. वो देखते नहीं, वो अलग बात है, उनको दिखती भी नहीं होगी, बट समाओ हमें दिखती है. हम कभी आ जाते कभी आ जाते, भटक जाते ना. मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बढ़िया इस बोर्ड में बैठे बैठे, अचानक से मैं खो गया इस बोर्ड में आ गया. फिर सब सीन देखने के बाद एक घंटे बाद रियलाइज हुआ मुझे तो यहाँ जाना था, बैक टू अपना चैप्टर. तो ट्राई करो कि उसे एक बोर्ड में रह पाओ. डिफिकल्ट है और सारी डिफिकल्टी हर एक के लिए है, ऐसा नहीं कि आप पैदे हो. क्योंकि ऐसे टाइम पर आपने को लगता कि अपने साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बट देन इट हैपेंस विद एवरीबडी. भटकेगा हर कोई, मगर वापस कितने जल्दी आते हो. हर कोई वो सेकंड बोर्ड में जाएगा, वापस रिटर्न कितनी जल्दी आते हो वो इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए एक गोल रखो स्ट्रांग जो आपको बार बार वापस लेके आएगा अपनी बोट में, सही जगह पे रखेगा. तो फर्स्ट पॉइंट था एक गोल हो, फिर गोल को ब्रेक कर दो डेली के सब्जेक्ट्स में. आज कितना पढ़ना है, कल कितना पढ़ना है. इनफैक्ट एक दिन की पढ़ाई को भी ना तीन तीन घंटे के स्लॉट्स में या एक एक घंटे के स्लॉट में आप बायफर्गेट कर सकते हो. क्योंकि बायफर्गेट करने के बाद आप कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हो. मैं आपको क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ. क्रिकेट में ना मैं हमेशा स्कूल की एक्स्ट्रास की टीम में रहा हूँ. मेरी आवाज आ रही है ना पीछे तक के, शायद फीडबैक बंद है इसलिए. ओके तो बढ़ाना है. ओके ओके तो द थिंग इज क्रिकेट ना मान लो हम लोग ना गली में ना 6 ओवर का मैच खेलते थे. 6 ओवर का मैच 36 बॉल बैटिंग, 36 बॉल बॉलिंग. मान लो हमारी टीम की फर्स्ट बॉलिंग है तो मैं फील्डर बहुत अच्छा हूँ, बॉलर बॉलिंग नहीं करता हूँ. तो फील्डिंग में ना 36 में से करीब 2 या 3 बॉल मेरे पास आते हैं एक्चुअली में. आप गिन के देखो ना, 8 लोग खेल रहे, आधे बॉल तो विकेट कीपर के पास जाएंगे, 36 में से 18, और बचे जो 18 बॉल बैट्समैन खेलेगा उसमें से डिवाइड बाय 8 कर लो, एवरेज में 2-3 बॉल आते हैं. उतने बॉल मेरे पास आते हैं 36 में से. ये हो गई 1.5 घंटे की मैच खत्म, फर्स्ट इनिंग. सेकंड इनिंग्स में क्या होता है, मैं बैटिंग साइड बैठता हूँ और 8 लोग हैं तो ऑब्वियसली मुझसे अच्छा खेलने वाले 4-1 लोग तो होंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से. और वो 4 लोग हमेशा मैच जिता देते हैं, मैं हमेशा फील्डिंग में रहता हूँ. और 3 घंटे मैंने मैच खेला, 3 घंटे में से आधा टाइम मैंने 3 बॉल पकड़े बढ़िया, बाकी टाइम मैं मैच देख रहा था. एंड उसके अलावा जब हमारी बैटिंग थी तो मैंने सिर्फ ताली बजाई या तो सिर्फ देखा, वाह वाह बढ़िया बढ़िया. और 3 घंटे बाद मैच जीतने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली कि यार हम मैच जीत गए. मुझे अफसोस नहीं हुआ कि मेरी बैटिंग बॉलिंग नहीं आई, फिर भी खुशी मिली. क्यों? आई डिड नॉट डू एनीथिंग, आई वॉज जस्ट गुड एंड ताजी एंड बस 3 बॉल तो पकड़े. हाँ 3 बॉल पकड़े, मेरा योगदान. फिर भी आई वॉज वेरी हैप्पी एट द एंड. द थिंग इज मेरे पास एक गोल था, पूरा टाइम मेरा दिमाग गोल पे था. मुझे हमको फील्डिंग करनी है, बॉल रोकना है, बॉल रोकना है, बॉल कोई और रोकता, ब्रीदिंग या चलती, हाँ ऐसा लगता है मैंने रोक दिया, फीलिंग आती है ना सॉर्ट ऑफ. तो कंटिन्यूसली वो चलता है क्योंकि पूरा ध्यान टारगेट पे, वो कम से कम बनाए हमारी बैटिंग के टाइम हम चौका छक्के मार के उसे जीत जाए. तो क्योंकि पूरा टाइम हम मेरा दिमाग गोल पे था, मुझे कुछ भी या तो बोर नहीं हुआ और पूरा टाइम मैंने कुछ और सोचा ही नहीं, ना किसी के बारे में ना कोई चीज के बारे में, कुछ भी नहीं. तो द थिंग इज एक गोल रहा इतना स्ट्रांग, बट वो गोल भी ना मैच के समान होना. मैच कैसी 3 घंटे की थी ना, इसलिए अपना गोल भी 3-3 घंटे का या 1-1 घंटे का होना रोज की पढ़ाई का. आज मैं एक चैप्टर करूंगा, इनफैक्ट हर आधे घंटे में ट्रैक करो आपका वो चैप्टर आगे बढ़ रहा है कि नहीं. क्योंकि जितना चैलेंज बढ़ेगा ना उतना मजा आएगा. चैलेंज इसी रहेगा ना तो आपको बोर होने लग जाएंगी चीजें. तो है ना, आपको लगेगा आप लोगों ने इतना सारा गोल बनाया, 1 हफ्ते का प्लानिंग किया, प्लानिंग फेल हो गया, इट इज ओके. प्लानिंग फेल हो रहा है तो आप नॉर्मल हो, प्लानिंग फॉलो हो रहा है तो आप सुपर नेचुरल हो, वो अलग बात हो गई. बट प्लानिंग फेल सभी का होता है 90% टाइम्स. इंपॉर्टेंट है कि आप प्लानिंग बनाते रहो, इट विल कीप यू अटैच विथ योर फर्स्ट बोट. तो प्लानिंग बार बार बनाते रहो, बनाना पड़ा इट इज नॉट एन इश्यू. क्योंकि ना बहुत लोग पूछते हैं सर प्लान फेल हो गया मैं बनाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. प्लान बनाते रहो, एटलीस्ट 50-60% तो फॉलो होता है, एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग टाइप्स. तो फर्स्ट था गोल होना चाहिए. सेकंड उसी के साथ थोड़ा थोड़ा बताया, एक होना चाहिए गोल का एग्जीक्यूशन, यानी हार्डवर्क आपका. और वो हार्डवर्क भी तभी होगा जब आपको उस चीज में मजा आएगा, वो करते रहोगे कंटिन्यूसली फॉलो. तो वो भी तब होगा जब टगिन टारगेट होगा, सेम चीज है. यानी हम लोग क्या करते थे, सर ने भी किया है मैंने भी किया हूँ,
हम लोग साल भर की पढ़ाई को, जैसे आपके पास 2-3 महीने होंगे सो आपको टाइम टेबल भी बना के दे रहे एग्जैक्ट उसी हिसाब से, तो उसे डेजी डेजी की पढ़ाई में बांट दिया है ना, और पूरा प्लानिंग एक बार हो जाता है ना तो कॉन्फिडेंस आता है कि हो जाएगी चीज़ें। एक्चुअली मैं आपको एक सच बताता हूँ, जब प्लान करते हो ना उससे पहले ही अपनी पढ़ाई हो जाती है, जब प्लान करते हो उससे पहले ही पढ़ाई हो जाती है, यानी आपका प्लान आपने सिर्फ 80% फॉलो किया तो भी आपका 100% सिलेबस फॉलो हो गया। तो इसलिए डरना नहीं, प्लानिंग कर लो, क्योंकि प्लानिंग ना हम प्रैक्टिकल होके करते हैं और माइंड इतना फास्ट है वो जल्दी कर देता है सब कुछ। तो बढ़िया सा हार्डवर्क के लिए डेली डेली का रूटीन होना। व्हाट आई यूज टू डू, मैंने एक चार्ट बनाया था, यहाँ पे आवर्स लिखता था, यहाँ पे डेट लिखता था, मैंने फाउंडेशन में भी बताया होगा बहुत लोगों को, और मैं हर एक घंटे के बाद टिक करता था, तो मुझे उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था कि यार मेरे 3 टिक हो गए, 4 टिक हो गए, 5 टिक हो गए, मुझे टिक करने का मजा आता था, जैसे बैटिंग में एक एक बॉल मारने का मजा है, वो भी कौन सा है मजा, आप ऐसे ऐसे तो कर रहे हो पूरा टाइम बैटिंग भी, वैसे मैं टिक टिक कर रहा हूँ, सेम गेम ही हो गया मेरे लिए, तो गेम खेलने का मजा आने लग गया था। यूज टू स्टडी वन मोर आवर ताकि मैं एक और टिक कर पाऊँ। फर्स्ट डे वॉज ओके 6 आवर्स, सेकेंड डे जब देखा कि यार मैं 6 हो गया तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ दूँ तो मैं अपना कल का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, अपना रिकॉर्ड तोड़ने से बेहतर क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट डे 7 हो गया, ऐसा करते करते कभी 10, कभी 11, कभी 9, तो मैं 10 के आसपास भटकता था, बट क्योंकि ट्रैकिंग थी, ट्रैकिंग छूट गई तो गड़बड़ होती थी, तो यू शुड हैव दैट ट्रैकिंग। एंड आपको एक और बात बता दूं, गोल भी हो गया, आप एग्जीक्यूशन के लिए पढ़ाई करने में हार्डवर्क में भी लग गए, बट रास्ते में ना सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको भटकना नहीं है, क्योंकि आई मीन यू नीड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा तो मोबाइल है ना, तो मोबाइल के लिए क्या सोचा है आप लोगों ने, सब सरेंडर कर दोगे, मुझे पता है, वेरी नाइस, बहुत लोगों ने कर दिया होगा, किसने कर दिया है, वेरी नाइस, अब बाकी तक बेटा अब तक सर इनका सबका नवंबर है क्या, मतलब मई है कि नवंबर, अच्छा मई वाले है क्या, तो आई मीन अब तक हो जाना चाहिए था मोबाइल सरेंडर, कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा आज एक छोटा मोटा मोबाइल सरेंडर करोगे तो आगे बड़े मोबाइल का अपॉर्चुनिटी आएगा। एंड मोबाइल जेन्युइनली आपको लग रहा होगा कि आप खुद पे बहुत कंट्रोल कर सकते हो, तो आप बायोलॉजिकली नेचुरली आई मीन सादे इंसान हो, तो छोटी छोटी चीज़ों से ना अपन डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं, तो बहुत लोगों का सादा वाला फोन होगा ना जिसमें स्नेक का गेम होता है, या इनफैक्ट वो भी नहीं, किसका स्मार्टफोन नहीं है, हाँ तुम्हारा पता है स्मार्टफोन नहीं, ओके अच्छा इससे सरेंडर कर दिया बोले वैसे भी स्मार्ट नहीं था, तो बाकी लोग आई होप कि आप लोग ऐसा करोगे, क्योंकि देश मांगता है कुर्बानियाँ, तो जितना सेक्रीफाइस करोगे ना उतना अंदर वाले माइंड को फील होता है, क्या होता है ना, ये अपना कॉन्शियस माइंड आपको कई बार बताया हूँ, और एक होता है अपना सबकॉन्शियस माइंड है ना, तो कॉन्शियस क्या होता है, जो आप कॉन्शियसली करते हो, जैसे मैं हाथ ऊपर करने बोलूंगा कॉन्शियसली हो गए, अब मैं बोलते बोलते हाथ कहीं भी जा रहे मेरे, वो सबकॉन्शियसली हो रहा है ना, मैंने जोश की बात किया अरे ऑटोमेटिक उठ गए, मैंने सिर्फ मुंह से जोश बोलने के लिए ऑर्डर दिया था, कॉन्शियसली जोश बोला, सबकॉन्शियसली हाथ ऊपर आ गए है ना, तो कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती है, तो आज घर से जब निकला क्लास ऑटोमेटिक पहुंच जाता हूं मैं, बिना राइट टर्न के गाइड किए खुद को, क्योंकि वो सबकॉन्शियस है। अब एग्जाम में क्या होता है, कुछ चीजें टफ होती है, तो टफ चीजों में कौन वर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपने डायरेक्ट पढ़ा नहीं होगा, मान लो आपने कंसेप्ट पढ़ा है बट उसमें कुछ डीप प्रॉब्लम आ गया आपको एग्जाम में, कुछ डीप में का टफ प्रॉब्लम आ गया, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करेगा, या जैसे अपन सीपीटी में तुक्का मारते थे तो सबकॉन्शियस वर्क करता है, वो तुक्का नहीं है, वो एक्चुअली में सबकॉन्शियस कैलकुलेटेड तुक्का मारता है, तो सबकॉन्शियस भी उतना ही काम करता है जितना आपने कॉन्शियसली सोचा है। अगर मान लो मैं दिन में 10 घंटे पढ़ सकता हूँ और मैं पूरे 10 घंटे पढ़ता हूँ, आई मीन माय कॉन्शियस माइंड इज गिविंग 100%, देन माय सबकॉन्शियस माइंड विल हेल्प मी अचीव दोस 100%, यानी मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी अपना 100% देगा। मगर मैं 10 में से सिर्फ 5 घंटे पढ़ता हूँ, मतलब मेरा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 50% कैपेसिटी का है, तो सबकॉन्शियस भी एग्जाम में मुझे 50% हेल्प ही करेगा। तो इसके लिए आई होप आप समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो जितना आपसे बन सकता है उतना आपने करते रहना चाहिए हार्डवर्क। एंड एग्जाम टाइम पे ना अपना माइंड इज प्रोन टू एवरीथिंग, अपना माइंड इज प्रोन टू एवरी डैमेज जो अपनी लाइफ में हो सकता है, तो लाइफ में दिमाग में सब कुछ, जैसे हर शौक तभी लगते हैं एग्जाम के टाइम ना, मुझे ना बहुत सी मूवी ऐसा लगता था ये मैंने नहीं देखा तो क्या किया, तो मतलब ऐसा लगता था ये मूवी जिंदगी की बेस्ट मूवी है, यही देखना चाहिए, मूवी की बात कर रहा हूँ, तो तो अब वो मूवी ना मैंने बहुत सारी लिस्ट, फिर एक टाइम पे मैंने खुद को मनाया कि एक काम करता हूँ मैं लिस्ट बनाता हूँ एग्जाम के बाद देख लूंगा, अगर इतनी मुझे अच्छी लगती है मूवी तो मैंने लिस्ट बनाया, और जेन्युइनली एग्जाम के बाद मैंने एक भी नहीं देखा, क्योंकि सिर्फ वो मेरा माइंड प्रोन था उस वक्त, माइंड को भटकना है ना सेकंड बोट में जाना है,
होना यहाँ आया, वो भाग भाग भटकने के लिए कुछ ना कुछ सोचता है, मैं कैसे जाऊँ सेकंड बोर्ड पे। तो मूवी होती है, मोबाइल होता है, और क्या हो सकता है, प्यार हो सकता है ना। तो ऐसा कहते हैं कि आधे इंडिया का प्यार इसी वक्त होता है, पढ़ाई के वक्त, क्योंकि नमन खाली होते हैं ना बहुत। पढ़ाई कितनी देर कर लोगे, 10 घंटे, 8 घंटे सोएंगे, बचे हुए 6 घंटे कुछ और एक्टिविटीज नहीं है ना, हम लोग खेलना घूमना मिलना जुलना सब बंद कर देते हैं दोस्तों से। तो सारी संभावनाएं इसी टाइम पे डेवलप होती है, और सब कुछ इसी टाइम पे हमें फील होता है। तो हर चीज का शौक एकदम से ना, मान लो बैडमिंटन नहीं खेलते हो, आपने सुना पवन से बैडमिंटन जाते हो, आपको अचानक से बैडमिंटन का शौक लग जाएगा 2 दिन में पढ़ाई के टाइम पे ही। हाँ, पढ़ाई खत्म हो गई तो आप एक भी दिन नहीं चाहोगे, वो अलग बात है, मगर एवरी बैड हैबिट का जो या गुड हैबिट भी इवन, सब चीज के लिए आपका माइंड प्रोन होता है ऐसे पढ़ाई के टाइम पे, क्योंकि खाली बैठा है। तो ऐसे टाइम पे आपके हाथ में आप उसे गुड फीड करते हो कि बैड फीड करते हो। एंड माइंड इज रियली रियली फास्ट, वो भटक इसलिए रहा है या उसको गलत हैबिट इसलिए लग रही है क्योंकि आप लोगों ने उसे सही फीडिंग नहीं दिया। देखो ना, मेरे माइंड को हैबिट है, मेरा माइंड 1 घंटे में 50 पेज पढ़ सकता है, अगर अब मैं उसे सिर्फ 20 पढ़ने का ऑर्डर दूंगा तो क्या करेगा, भटकते भटकते पढ़ेगा, क्योंकि उसको तो अपना टाइम भी निकालना है। अब पढ़ना 20 पेज है जबकि उसकी कैपेसिटी कितनी है 50 पेज, तो 60% टाइम यानी 36 मिनट भटकेगा, 24 मिनट पढ़ेगा। तो उसको दो जितना वो दोगे उतना वो कंप्लीट करेगा, मगर उसके लिए भरोसा चाहिए होता है खुद पे। भरोसा हो ना हो, भरोसा दिखाना पड़ता खुद पे, क्योंकि एंड नॉट डिफिकल्ट। मैं क्या करता था पढ़ाई के टाइम पे, खुद पे भरोसा दिखाने के लिए मैं सिर्फ पन्ने पलटा था कभी कभी। फर्स्ट रिविजन ना वैसे भी किसी को याद नहीं रहती, सबको पता होगा फर्स्ट रिविजन याद नहीं रहती। मुझे एक बार समझ गया, मैंने 3 सब्जेक्ट की फर्स्ट रिविजन किया, बाद में जब बुक खोला सेकंड टाइम पे तो 0 याद था। तो मैंने एक प्लान बनाया, फर्स्ट रिविजन का सिर्फ कॉन्फिडेंस था कि मैंने 1 रिविजन किया हूं, दूसरों को बोलने में और खुद को बोलने में। तो अगली बार से मैंने क्या किया, सिर्फ पन्ने पलटा पलटा के टॉपिक टॉपिक पढ़ लिया, 2 घंटे में पूरी बुक खत्म। टॉपिक पढ़ने में कितना टाइम, यानी 2 घंटे में फर्स्ट रिविजन खत्म। अब सेकंड टाइम मुझे क्या लगा, ब्रेन को आता तो कुछ भी नहीं, लेकिन इतना पता था कि 1 रिविजन हो गई है ना। अब फर्स्ट केस में भी वही पता था पूरा पढ़ने के बाद, तो बेस्ट था कि टॉपिक पढ़ दिया, एटलीस्ट सेकंड टाइम मेरा ब्रेन प्रिपेयर था। जब वो टॉपिक आता तो उसे लगता था ये टॉपिक कहीं तो भी पढ़ा हुआ है, भले अंदर का नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, टॉपिक तो देखा हुआ है। तो इसी बहाने मेरा माइंड ओपन था आगे का पढ़ने के लिए, बस ऐसा माइंड ओपन है और अल्टीमेटली पढ़ाई होती गई। तो 3 चीजें सिंपल फॉलो करनी है आपको, एक बढ़िया गोल रखो, स्ट्रांग गोल, वेरी स्ट्रांग गोल। सेकंड, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क करो जितना एग्जीक्यूट कर सकते हो। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगे बेटा, सब कुछ अभी होगा, इसी उम्र में होगा, तो उसे अवॉइड करो। ये 3 चीजें अच्छे से फॉलो कर लो तो नथिंग लाइक इट। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा, बैठ जाओ। हाँ, टिक वाला ना, वेरी नाइस, गुड है, बढ़िया, बैठो। और कोई? हाँ, अच्छा, बैठक के बढ़िया आ गए, गुड, नाइस, चलने तो गाड़ी ऐसी। और कोई सवाल करना चाहेगा, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो अच्छे से आंसर मिलेगा। अभी क्या बहुत जनरल हो गया ना, सवाल ही नहीं आते क्या? सवाल तो बहुत आने चाहिए वैसे इस टाइम पे, आएंगे। पढ़ाई चालू कर दिया होगा ना आप लोगों ने, नहीं क्या? अच्छा, टाइम है बहुत। हाँ हाँ, अब ऐसा है कि वीक और स्ट्रांग, एक्चुअली में CA इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क है ना। अभी भी आपको किसी भी पॉइंट पे CA में, चाहे आज या एग्जाम के 10 दिन पहले ऐसा लगा कि क्या अगर मेरी पढ़ाई आज तक की कुछ भी नहीं हुई तो क्या मैं अभी भी कर सकता हूँ? मैं आपको बताता हूँ, सर को भी शायद 20 फोन आते होंगे एग्जाम के पहले, मुझे भी 10-15 कि सर अभी तक के मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी कुछ हो सकता है क्या? तो द आंसर इज येस, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए मन में तो द आंसर इज ऑलवेज येस, कुछ नहीं से तो बेटर ही है समथिंग, और ये अटेम्प्ट नहीं तो अगला अटेम्प्ट, बट उस चक्कर में अगला भी जाता है। तो बट मैं ये नहीं कहूँगा अभी से अगले के बारे में सोचो, बट द थिंग इज एवरी टाइम जब भी आपको फील हो कि अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा, आज से 3 महीने में सब कुछ पढ़ा जाए तो हो सकता है क्या? तो येस हो सकता है। आप सब्सिडी गिन के देखना, 3 महीने मोटा मोटा 90 डेज इंटू 10 आवर्स 900 घंटे हो जाते हैं, मेरे ख्याल से सर काफ़ी है, मतलब बहुत मोर देन इनफ है, तब रैंक वैंक भी आ जाए ऐसा लगता। अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो भी ऐसा, तब कैपेसिटी तो है, पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी थोड़ी कम है बट पॉसिबिलिटी है।
तो एनी टाइम यू फील इट इज पॉसिबल. एंड जो सही में सोचते हैं बहुत अच्छे मार्क्स लाने का, एकदम 800 में से 600 प्लस, तो उन्होंने तो पास एग्जाम पेपर्स और सब कुछ खुद से करना चाहिए. खुद के हाथ में वो कंट्रोल ले लो, मतलब किसी पे डिपेंडेंट मत हो कि यार सर ने जितना बताया उतना ही करना. हाँ सर बता रहे वो अलग बात हो गई, तो पूरा बना के, बिकॉज ही हैज डन दैट ऑलरेडी 6 times. तो यस, तो और कोई सवाल? आपने डिसाइड कर लिया ग्रुप वन या दोनों, बोथ ग्रुप्स, सभी का हो गया डिसाइड? बोथ ग्रुप वाले बस ट्राई करना एक पे ना आ जाओ. तो अभी बोथ ग्रुप है तो एक महीने बाद शायद वो एक ग्रुप हो जाता है बहुत लोगों का, है ना, रिड्यूसिंग जीपी टाइप. तो बट द थिंग इज यू हैव ऑप्शन. अगर अभी पढ़ लेते हो तो वैसी नौबत नहीं आएगी. एंड अकाउंट्स कॉस्टिंग में सही में 90+ लाना मुश्किल नहीं है, है ना. द की टू सक्सेस सर भी बताई हुई या बता दिया होगा कि 100 marks का पेपर तो लिख के ही आना कुछ भी हो जाए. मतलब घर पे इतनी प्रैक्टिस करो कि आप 100 का लिखो, क्योंकि ना सीए में एवरेज में आपको 60% marks मिलते हैं सब कुछ अच्छे से लिख के आओ तो, है ना. सब कुछ अच्छा दिखा है, बहुत अच्छा दिखो तो और भी ज़्यादा मिलते, 80-90 इशू नहीं है. मगर स्पेशली थ्योरी वगैरह, इनफैक्ट प्रैक्टिकल भी बोल दो, आपने नॉर्मली सब पेपर लिख के आया तो 60% marks भी देंगे. 100 का लिखा तो 60, 80 का लिखा तो 8 6 48 marks, तो ऑलरेडी आप 50 के नीचे चले गए. एंड पासिंग मार्क्स आर नॉट 40-50 है, पता है ना, इस बात से हमेशा ही 50 थे. तो 40-40 गिनते हैं, टोटल टैली नहीं होता एट द एंड, तो 50 गिनना स्टार्टिंग से. एंड पहला पेपर बिगड़ा तो दूसरा पेपर इज ओके, पहले में पास हो जाते. जो पेपर बिगड़ा वो सबका बिगड़ता है, तो पासिंग पास हो जाता है आदमी. तो ध्यान रखना, पहला बिगड़ा तो आदमी पहले में फेल नहीं होता, दूसरे में फेल होता है, क्योंकि दूसरे के लिए पढ़ाई नहीं करता. और जैसे अगर कोई अच्छा बच्चा है ना, मान लो अभिलाषा बहुत पढ़ती है, उसने पेपर दिया, उसका पेपर अच्छा नहीं गया, तो घर पे आके क्या करेगी वो, सेकंड पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ेगी, है ना. मैं जेन्युइनली बताऊँ तो उसके अच्छे से नहीं गया की डेफिनेशन होती है. इनफैक्ट बहुत लोगों की ये डेफिनेशन होगी कि यार मुझे 100 में से 90 आना था, मेरे सिर्फ 60 आने वाले हैं. तो अच्छे आए ना बेटा 60 भी, आपको सिर्फ पास होना है सीए में, पहली चीज. तो उस चक्कर में दूसरा पेपर मत बिगाड़ो. तो अच्छा नहीं गया से भी 50 marks आराम से आते, क्योंकि अब तक आपकी आदत क्या, अच्छा नहीं गया कि अच्छा नहीं गया मतलब 70-80%. बहुत लोगों के अंदर फीड होता है कमांड, अच्छा नहीं गया मतलब क्या 70-80%, बट वो तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन है बेटा 60-70-80. तो बी हैप्पी विथ जैसा भी पेपर गया, मार्क्स आ जाते हैं अगर पढ़ाई किया है तो. और एग्जाम में बहुत लोग ना डर जाते हैं, वो चीज़ का ध्यान रखना. सब कुछ पढ़ लिया बट एग्जाम में लिख ही नहीं पाए तो अगेन गड़बड़े. और इसके अलावा एक और गलती जो बहुत लोग करते हैं, आपको क्वेश्चन शायद अभी भी वही है ना, ऑप्शन वाला 7 questions होते हैं फर्स्ट कंपल्सरी 20 marks का, अब बचे 6 में से 5, है ना. 7 questions होते हैं पहला कंपल्सरी और बचे 6 में से 5. वो 6 में से 5 सिलेक्ट करते टाइम पे ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैंने तो बहुत किया हूँ. तो 6 में से 5 कौन से करना, ये एक अंदाजा पहले 15 minutes मिलते हैं ना रीडिंग के लिए, तब अंदाजा लगा सकते हो. क्या होता है ना, आपने एक क्वेश्चन किया, मान लो आपके ऊपर के सारे क्वेश्चन हो गए 5, आखिरी के 2 बचे, 2 में से 1 करना है, 6वां 7वां बचा है, कोई भी एक करना है, तो व्हाट डू यू डू, आप 6वां सॉल्व करते हो. फॉर एग्जांपल 16 mark का क्वेश्चन है, आपका 12 का सही है, 4 का गलत है ना. बट आपको कॉन्फिडेंस है कि अगला आपको 16 का आ जाएगा, है ना. आपको कॉन्फिडेंस है कि इसमें 12 मिलने वाले हैं, अगले में 16. तो आप क्या करते हो, ये क्वेश्चन काट देते हो, आप अगला करने जाते हो. सीन वन, अगला करने जाते हो, 8 mark का खत्म होता है, बेल बज जाती है. तो थिंग इज पहले कर लो बाद में काटना, है ना. बहुत लोग ये गलती करते हैं. दूसरा, जब आपने दोनों क्वेश्चन देखा तो इवैल्यूएट करते टाइम पे अपना माइंड अपने साथ बहुत गेम खेलता है एग्जाम में. वो बोलेगा कि इसमें आपको सिर्फ 10 मिलेंगे, इसमें आपको 12 मिलेंगे, तो गो फॉर दिस. फिर जब ये आप सॉल्व करने बैठते हो तो आपको एक्चुअली में 8 mark का ही आता है. तो आप सोचते हो कि 8 से 10 बेटर थे. फिर जब आप ये काट के जब 10वां करने जाते हो 10 marks वाला, तो एक्चुअली में आपको 6 का ही आता है. तो थोड़ा माइंड अपना एक्स्ट्रा के मार्क्स गिन देता है. बहुत पॉजिटिव होते हैं ना कुछ लोग, बहुत सारे वीडियोस देख के, बुक्स पढ़ के. जैसे मैं बहुत पॉजिटिव होता था, आता 6 का था, माइंड 10 बोलता था, 10 बस ऐसा. तो ऐसा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना एग्जाम में, सही में कितना आ रहा है तो उस बेस पे इवैल्यूएट करना. इट इज ओके 4 marks जा रहे हैं, मगर 4 के चक्कर में 16 नहीं जाने चाहिए. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आप कुछ पूछना चाहो तो, एंड सही में इजी है, चैलेंज बहुत अच्छा है, बट प्रॉपर हार्डवर्क के लिए है. तो आप सब इंटरमीडिएट में हो, इसका मीनिंग है कि एक एवरेज टैलेंट तो आपके पास है. मैं नहीं बोलूंगा कितना ज्यादा है कितना कम, बट एवरेज जो टैलेंट चाहिए इंटरमीडिएट के लिए वो तो है, तभी आप पास हुए थे फाउंडेशन. तो द थिंग इज, अभी सब कुछ आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है, सब कुछ हार्डवर्क पे. रोज रात को 8 घंटे पढ़ने के बाद हर कोई थक जाता है.
आठ घंटे पढ़ने के बाद लिटरली हर कोई थकेगा, लेकिन वो आठ के बाद कौन दो घंटे एक्स्ट्रा पढ़ता है, वो बाजीगर टाइप्स होता है ना। तो आठ घंटे हर कोई पढ़ेगा, बट आखिरी के दो घंटे थकने के बाद कौन पढ़ता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब डिसीजन ना वहां पे बनती है, क्योंकि आठ तो हर कोई पढ़ने वाला है, आठ या छः, उतना थकने के बाद एक्स्ट्रा का क्या है ना। तो एक और तरीका मैंने एग्जाम टाइम पे ढूंढा था, मेरी ना रीडिंग स्पीड थोड़ी स्लो थी, फिर मैंने सोचा स्लो क्यों है, तो ऐसा था कि बस पढ़ता था, टाइम डिसाइड नहीं किया था इन द सेंस, आपको एक्टिविटी करके बताता हूँ, इनके सामने मैंने कभी किया होगा कि मुझे याद नहीं है ना। जैसे आयुष ना, आयुष इधर आओ बेटा, इधर आइए, बहुत सिंपल था, स्पीड कैसे बढ़ाना उसकी एक्टिविटी। आयुष तुम्हारा सरनेम भूल गया, ढापड़े ना, बढ़िया, नीरज, बैठो बैठो। तो थिंग इज, बैठो बेटा, मैंने आयुष को यहाँ पे बुलाया, आयुष यहाँ पे आया, मुझसे हाथ मिलाया, वापस जाके बैठ गया। उसे कितना टाइम लगा होगा, करीब 16 सेकंड्स लगे, मैंने काउंट किया मनी मन में, करीब 16 सेकंड्स। मगर मैं आयुष को कहूँ कि आयुष तुम्हारे सामने चैलेंज है 16 सेकंड को, क्या आप 7 सेकंड्स में कर सकते हो, वहां से आपको यहाँ आना होगा, मुझे पता है कर सकते हो, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कर सकते हो क्या, मेरे कॉन्फिडेंस में मत जाओ, अपना देखो, कर सकते हो 7 में, योर 7 सेकंड्स स्टार्ट्स नाउ, 7 6 5 4 3 बैठना भी है, 2 1 0.5। तो द थिंग इज दोनों में क्या फर्क था, सेम आयुष, सेम दिमाग, सेम हार्डवर्क, बट पहली बार में वो आराम से कर रहा था वही चीज, मगर सेकंड टाइम में उसके सामने, क्योंकि टारगेट नहीं था फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में उसके पास टाइम का टारगेट था कितनी देर में करना है, तो उसने थोड़ा फास्ट किया, थोड़ा फास्ट हो गया। तो जेन्युइनली पढ़ाई में भी ऐसी होता है, आप कोई भी चीज पढ़ने बैठो तो आप टारगेट दो किया, मुझे एक अंदाज तो गिन दो, धीरे धीरे वो अंदाज को चेंज करना रोज, बट एक अंदाज किया, मैं ये एक घंटे में 20 पेज पढ़ने वाला हूँ, एक घंटे में 20 पेज, तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और 60 मिनट में 20 पेज, तो एक पेज कितनी मिनट में, 3, हर 3-6 मिनट के बाद घड़ी देखो कि एक पेज हुआ कि नहीं हुआ। तो माइंड ना बहुत प्रेशर में आएगा, माइंड प्रेशर में बहुत सही परफॉर्म करता है, और उसकी हैबिट हो जाएगी प्रेशर फेस करने की। तो आप ऐसे कर करके अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ना एकदम नॉर्मली बैठे बैठे ना सुस्त हो जाता ना आदमी, तो पहली राउंड में एकदम सुस्ती से आया वो, दूसरे में थोड़ा भाग के आया, बट अभी मैं 5 सेकंड में बोलूंगा तो बहुत जम के भागेगा, तो जितना टाइम कम होगा, बट एकदम 2 सेकंड बोलूंगा तो उठेगा ही नहीं वहां से। तो एकदम इम्प्रैक्टिकल टारगेट भी मत रखना कि यार मैं एक घंटे में 200 पेज पढ़ लेता हूँ, तो माइंड बोलेगा चल घूम के आते आधा घंटा। तो ऐसा थोड़ा अनप्रैक्टिकल से ऊपर का, एकदम अनप्रैक्टिकल नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल, जो आपकी कैपेसिटी होगी उसके ऊपर का टारगेट रखो, डेफिनेटली अचीव होता है, डेफिनेटली। आज नहीं तो 2 महीने बाद होगा, नहीं तो 1 साल बाद होगा, बट कभी ना कभी तो होगा, बट उसके लिए हार्डवर्क तो करते रहना पड़ेगा ना, है ना। आदमी जब दौड़ना सीखता है तो इनिशियली उसकी स्पीड कम होती है, 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है, धीरे धीरे 10 20 30 पे पहुंचता है, तो प्रैक्टिस के साथ। वैसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे दौड़ने का, मतलब पढ़ाई में, उतना जल्दी आप दौड़ने लगोगे। यस सर, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई आखिरी सवाल कोई पूछना चाहेगा? मैथ्स में भी कभी डाउट नहीं आए, यहाँ भी कभी डाउट नहीं आया, बढ़िया। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना। बाकी सर आपको टाइम टेबल बना के देंगे, उसको एग्जैक्टली फॉलो करना। बहुत लोगों के फीडबैक्स आते हैं कि वो टाइम टेबल ने बहुत हेल्प किया, है ना, क्योंकि अपन खुद से नहीं बनाते बहुत बार। हाँ, आप थोड़े बहुत चेंजेस उसमें कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही फॉलो करो। बहुत लोग क्या करते हैं, फॉलो नहीं हुआ छोड़ देते, जान दो भैया हो गया अपना, नवंबर में देखेंगे। तो सर आपका अगला सेमिनार कब है? ऐसा नहीं करना। तो द थिंग इज, थोड़े बहुत चेंजेस यू कैन डू इट ऑन योर ओन, कि भाई अभी तक फॉलो नहीं हुआ, आगे के थोड़े बहुत चेंजेस करके सेम फॉलो करो। एक एक सर आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसा करो, अब फर्स्ट जैसे फॉलो कर सकते हो, तो ये एग्जैक्ट है जो आपको फॉलो करना है, ये नहीं मतलब सर बताने वाले अभी। द थिंग इज, थोड़े बहुत चेंजेस अलाउड है, बट ट्राई करो कि ऐसा फॉलो हो जाए, तो रास्ता बहुत सही है कुछ अच्छा अचीव करने के लिए, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलेंगे जल्दी आपके रिजल्ट के साथ। थैंक यू। यस yes. तो इतने अच्छे अगर हमको गाइड मिल जाए तो देखो, आपको हमेशा तो नीरज सर नहीं मिलेंगे, रोज रोज कोई डाउट आया तो आपको सोचना है कि नीरज सर ये सिचुएशन में क्या सोचेंगे।
मैं तो एक्चुअली में सोचता था कि मेरे टीचर्स जिन लोग ने गाइड किया वो ये सिचुएशन में क्या सोचेंगे और उसके हिसाब से एफर्ट लेता था, बिकॉज हमेशा मोटिवेशन एक्सटर्नली नहीं मिल सकता, तो हम लोग उसको इंटरनली कैसे क्रिएट कर सके इंस्पिरेशन. सो बीइंग इंस्पायर्ड बाय योरसेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो बहुत अच्छा सर ने बताया कि टाइम बाउंड चीजें रहना चाहिए, जो भी टारगेट्स रखा. थियोरी सब्जेक्ट में एग्जैक्टली वो अप्लाई होता है जो हम लोग बात कर रहे थे, कि अगर आपको इतने बार रिविजन करना है तो टाइम स्लॉट के अंदर उसको रखो, तभी तो नंबर ऑफ पेजेस पर आर आप उतने कर पाओगे, फिर उसको फॉलो अप कर पाओगे. एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सेम, इट कैन बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर आर, वो भी चैप्टर वाइज चेंज होगा. जैसे आपका हो सकता है कि अकाउंट्स का कोई बड़ा चैप्टर है लाइक पार्टनरशिप या अमलगमेशन, उसका एक एक क्वेश्चन बहुत टाइम लेता है, लेकिन कोई चैप्टर है जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है तो उसका एक एक क्वेश्चन फास्ट होगा. इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन द चैप्टर. आपको एक स्पीड पकड़ के चलना है, एक माइंड में एक टारगेट लेते हुए चलना है. आप अगर रैंडमली करते जाओगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है. सो सब्जेक्ट वाइज में ये स्पेसिफिक बातें बता रहा हूं कि आपको थियोरी सब्जेक्ट्स में मार्किंग कर लेना है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे कभी कभार अकाउंट्स के आप देखोगे या कॉस्टिंग के देखोगे तो सिमिलर क्वेश्चंस रहते हैं एक ही चैप्टर में, लेकिन उसमें एक या दो नए नए पॉइंट्स रहते हैं, तो बस वो पॉइंट्स को मार्क कर लेना है. तो मैं ऐसे करता था, और मैं तो एग्जाम के पहले पूरे जो क्वेश्चन हैं उसको पूरा एक बार पलटा के जाता था, पूरे क्वेश्चन को एग्जाम के पहले. सो दैट यूज टू हेल्प मी अलॉट. तो लेकिन वो क्यों हो पाता था, पलटा कैसे पता था, क्योंकि मुझे मार्क रहता था कि ये क्वेश्चन में मुझे बस ये पॉइंट पे ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में ये पॉइंट पे ध्यान देना है. एंड बिलीव मी, मतलब मुझे जब कॉस्टिंग में भी 98 आए तो मैंने बहुत बार एग्जाम के एक दिन पहले भी दो बार पूरे क्वेश्चन पलटा लिया था, और उसी में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं तो वो जम जाते हैं. सो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे और क्लियर होते जाएगा. यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑल्सो, आई विल बी अवेलेबल. रिविजन इज द की, वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू. नीरज सर ने आपको बताया है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना. इट्स अबाउट हाउ यू वी मैनेज आवर ओन फोकस, है ना. मोबाइल, हम लोग ने मोबाइल खरीदा है कि मोबाइल ने हमको खरीदा है, हम मोबाइल के ओनर है कि मोबाइल हमारा ओनर है. तो मोबाइल बच गया तो हम सब काम छोड़ के मोबाइल की तरफ क्यों जाते हैं. मेरा मोबाइल तो मोस्टली साइलेंट मोड पे रखा रहता है, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं चेक कर लेता हूं, तो मैं देखता हूं, ठीक है. मेरा मोबाइल मतलब बहुत रेयरली, सिर्फ मेरी मम्मी का और मेरी वाइफ का, दो लोगों का फोन आया तो बचता है, अदरवाइज तो साइलेंट मोड में रहता है, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी द ओनर ना भाई, मुझे जब टाइम है तब मैं देखूंगा. सो इट इज नॉट मेंट टू बी टू मेक माई लाइफ इनकन्वीनियंट. तो बस वैसे ही आपको सोचना है कि अब पढ़ाई में आपके लिए मोबाइल का रोल क्या है, आपके फ्रेंड्स का रोल क्या है अगले 3 महीनों में, आपको क्लियरली डिफाइन कर देना है कि डोंट लेट देम स्पॉइल योर मेन प्लान. आपका मेन पार्टी अभी पढ़ाई है, ओके. मेन थिंग इज पढ़ाई, उसके बीच में आपको बाकी चीजें जैसे एडजस्ट करना है करो. व्हाट टू डू में एक चीज मैं आपको बोल सकता हूं कि आपकी स्लीप जो है वो प्रॉपरली प्लान करके ले लो, नहीं तो क्या होता है पढ़ते वक्त बहुत स्लीप, बहुत नींद आती है. तो इसलिए प्लान रखो, मतलब कि नो मैटर व्हाट, रात को 11 बजे अगर सोना है तो सो जाएंगे, सुबह 6 बजे उठना है तो उठ जाएंगे, फिर सुबह फिर ड्रैग नहीं करेंगे. अगर हम रात को समय से सो गए तो फिर सुबह समय से फिर उठ जाना है. पीसीसी के टाइम पे तो मैं बहुत लेट सोता था, मतलब सुबह मेरी मम्मी उठती थी 5-6 बजे, तब मैं सोता था, और दोपहर में 12 बजे वगैरह, 12 कभी 1 बजे उठता था. मेरा बहुत खराब शेड्यूल था, जो एग्जाम के वक्त मुझे थोड़ी दिक्कत दिया था, मैंने एग्जाम के पहले थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया था, क्योंकि क्या होता है पेपर के समय वी नीड टू बी वेरी एक्टिव. आपका पेपर का जो टाइम है उस समय पे सोने की हैबिट मत रखना, अभी घर पे भी, ठीक है. रोज वो टाइम पे तो एकदम एक्टिव रहना है. सीए फाइनल में मैंने रेक्टिफाई किया, सीए फाइनल में मैं रात को 11-12, 12:30 तक मैक्सिमम सो जाता था, और सुबह नॉर्मली 6:30-7 तक के उठ जाता था, मतलब जो नॉर्मल रूटीन रहना चाहिए. और उसमें फिर प्लान ही इतना रहता था, सुबह उठते से ही पहला विचार आता था कि अरे मैं सीए फाइनल में हूँ, मेरी एग्जाम चल रही है, मतलब प्रिपरेशन चल रही है, आज क्या क्या पढ़ना है, और फिर शुरू. मतलब वो मोड में रहना चाहिए कि उठे और शुरू. फिर बार बार नहीं सोता था कि नहीं अभी आधा घंटा सो जाता हूँ, 1 घंटा सो जाता हूँ, क्योंकि पता है कि सुबह 1 घंटा जो लूज हुआ वो दिन भर में रिकवर नहीं हो पाएगा, फिर दिन भर का प्लान पीछे रह जाएगा. तो वी हैव टू बी अकाउंटेबल टू आवरसेल्फ कि भाई जो सोचा है वो करना है, तो उसके लिए नींद को प्लान कर लो. एंड नींद अच्छी आना चाहिए, उसके लिए आई रिकमेंड एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इज थोड़ी सी एक्सरसाइज, वेदर इट इज वॉकिंग और स्ट्रेचिंग और जस्ट से स्किपिंग, आप जो कर सकते हो. मैं 10th स्टैंडर्ड के टाइम पे सूर्य नमस्कार करता था, उसके बाद में मैं वॉकिंग करता था, रूम के रूम में बहुत वॉकिंग कर लेता था,
ओके, आप डिसाइड करो आपके लिए क्या वर्क करता है. बहुत हैवी एक्सरसाइज भी नहीं, रोज एक घंटा कर रहे ऐसा नहीं, 15-20 मिनट्स आप एक्सरसाइज करो और उससे आपकी नींद की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी एंड बॉडी फिट रहेगी, उससे आपका माइंड फिट रहेगा, एक्टिव रहेगा. सो दीज थिंग्स आर समथिंग विच आई यूज टू डू. देन आई यूज टू कीप माई मोबाइल ऑफ फॉर द होल डे एक्सेप्ट फॉर 1 आवर. मतलब रियली सी ए फाइनल की बात कर रहा हूँ. पीसीसी के समय तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी नहीं था, इंटरनेट ही बहुत मतलब रेयर चीज थी, तो इतना मोबाइल का टेंशन नहीं था. बट सीए फाइनल आते आते तब तक व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब बहुत चालू हो गए थे. तो आई यूज टू कीप इट एक्टिव ओनली फॉर 1 आवर, शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, डिसाइडेड था. मेरे फ्रेंड्स को भी पता था और वो लोग मुझे बहुत डाउट्स पूछते थे क्योंकि उनको लगता था इसको तो आता ही है, जबकि मुझे भी कई बार नहीं जमता था. तो वही टाइम पे वो लोग फोन करते थे एंड वही टाइम पे मैं मोबाइल में जो देखना है देख लेता था. एंड ऐसे ऐसे भी 2-3 दिन के स्लॉट्स आए थे जब मैंने मोबाइल शुरू ही नहीं किया था क्योंकि मैं प्लान से बहुत पीछे चल रहा था. मैंने लिटरली 2-3 दिन तक मोबाइल बंद रखा था एंड कुछ फर्क नहीं पड़ा. मतलब कुछ भी नहीं होता है, हम लोग मोबाइल बाद में भी शुरू करें तो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, तो मतलब चलता है. तो सीए फाइनल के एग्जाम में मैंने ट्राई करके देखा है ना. आप सोशल मीडिया पे अभी इनएक्टिव रहो और रिजल्ट के बाद में एक्टिव हो जाओ तो ज्यादा अच्छा, रेदर देन अभी बहुत एक्टिव रहो और रिजल्ट के बाद इनएक्टिव होना पड़े, है ना. चॉइस आपकी है. सो अभी मैं तो वैसे भी आप में से कई लोगों को देखते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, कम हो आजकल अब, व्हाट्सएप की स्टोरीज में देखता हूँ मैं. मेरे पास आपके मैक्सिमम लोगों के नंबर सेव्ड है तो मतलब समझ जाता है कि कौन कितना, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जाकर के स्टोरी पोस्ट कर रहे हो मतलब टाइम तो लगा रहे हो, फिर दिन में 10 बार चेक भी करते हो कि कितने लोगों ने देखा, किसने क्या कमेंट किया. तो वो सब चीजें ही बंद कर दो ना, लोगों को रिप्लाई करना ही बंद कर दो तो लोग सेकंड मैसेज भेजना ही बंद कर देंगे. 2-3 बार तक भेजेंगे, बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ी औरत बन गई, सीए कर रही है ना. सो रिप्लाई करना बंद कर दो आप. लेकिन आपको आपकी प्रायोरिटी पता है तो आप ये कर सकते हो. आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि किसी को जो लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अभी पढ़ाई करना है, करेक्ट. इफ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वही बार बार एग्जाम्पल दूंगा, इफ योर फैमिली मेंबर क्लोज रिलेटिव इज इन अ हॉस्पिटल और वो हॉस्पिटल में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आपके हॉस्पिटल छोड़ के बाहर आके 2-3 घंटे मोबाइल पे बातें करोगे या वहीं पे रहोगे उनके पास में, इवन इफ मोबाइल इज नॉट अलाउड. तो बस वही है, अगर आप इस चीज को उतना इंपॉर्टेंस देते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है वी कैन डू विदाउट इट, इट इज नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अ लग्जरी, गेटिंग टू यूज अ मोबाइल इज अ लग्जरी, तो आप उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखो. एंड जो बाकी के डिस्ट्रैक्शन से, आई होप आप लोगों को नहीं है, मतलब रिलेशनशिप्स वाले डिस्ट्रैक्शन, हम लोगों को एज में बहुत अट्रैक्शन हो जाता है एक दूसरे से और लगता है कि बस यही है और तो कोई नहीं इसके बाद में, तो कुछ नहीं है ऐसा. अभी आप एग्जाम तक की सब चीज होल्ड पे डाल दो, पॉज मोड में डाल दो. ओके, जो भी दूसरा लड़का या लड़की है वो अगर तब तक के अगर अवेलेबल रहा तो ठीक है, कंटिन्यू कर लेना, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपका सक्सेस होगा, ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, यू विल अट्रैक्ट. अभी वैसे भी मोस्ट ऑफ दिस फीलिंग्स आर टेम्पररी. ओके, ये इन्फेचुएशन होता है, अपने को लगता है कि बस ये लास्ट है, यही से सब, यही मतलब ये नहीं मिलेगी तो फिर तो लाइफ ही बेकार है, ये वो जो मूवीज में दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज समय के साथ साथ आज आप 19-20 साल के हो, 5 साल बाद आप बहुत चेंज हो जाओगे और वो लड़की भी बहुत चेंज हो जाएगी. मतलब आप आज जो सपने देख रहे हो, जो आपको थॉट प्रोसेस है, इट विल ऑल चेंज. आई एम टेलिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. ओके, एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग सो मेनी फ्रेंड्स, है ना. बहुत सारे दोस्तों को देखा है ना सब करते हुए. आपको लगता है कि मैं सब करता था? अरे मेरे रिजल्ट है सामने आपके. तो ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट इन्फ्लुएंस योर रिजल्ट्स, इज इट क्लियर. तो देखिए, अगर आप मैनेज कर सकते हो सब चीज तो हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया. अगर आप ये सब चीजों के साथ में पढ़ाई को मैनेज कर रहे हो, नथिंग लाइक इट. बट इतने सुपर ह्यूमन हो तो फिर उससे अच्छा वो फिर भी पॉज करके रैंक लाओ ना, मतलब और पढ़ाई में जोड़ दो ना. ऑल दीज थिंग्स कैन वेट, मतलब कुछ नहीं हो जा रहा है. एंड वॉट नॉट टू डू, कंपेरिजन. यहां लिखा है कंपेरिजन इज द किलर ऑफ जॉय. अपनी बात पूरी हो रही कि एग्जाम में जॉयफुली कैसे हमने अप्रोच करना है, और कंपेरिजन जिस मोमेंट पे करके बैठ गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपेरिजन से हम लोग नेगेटिव कंक्लूजन से निकालते हैं, यार उसकी तो इतनी पढ़ाई हो गई, मेरी तो हुई नहीं. मेरी एक फ्रेंड थी जो एग्जाम के टाइम पे फोन करती थी और बोलती थी पवन तेरा क्या क्या हो गया बता, तो मैं तो बता देता था, थोड़ा ज्यादा ही बताता था, तो उसको अच्छा खासा टेंशन आ जाता था. इसका कोई सेंस नहीं बनता है,
मतलब मैं तो कभी किसी से पूछता भी नहीं था, इवन एग्जाम हॉल के बाहर एक आधा कोई क्वेश्चन डिस्कस हो गया तो हो गया, अदरवाइज आई यूज टू बी इन माई ओन फ्रेम ऑफ माइंड. नोबडी शुड बी एबल टू एंटर इन टू माई थॉट्स टेरिटरी एट दैट टाइम. बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है अपने थॉट्स को, है ना. दूसरे लोग एक एक सेंटेंस बोल के हमारे दो तीन दिन को खराब कर सकते हैं. लेकिन सोच के देखो ना, आप इतने कमजोर हो क्या, इतने नाजुक हो क्या, आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया आपने. सो डोंट कंपेयर, डोंट एंटरटेन थॉट्स ऑफ एनीबडी एंड एवरीबडी. आपको बिल्कुल केयरफुली स्क्रूटिनाइज करना है, इनपुट्स को आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी चीज अभी आ सकती है. इज इट क्लियर? सो डोंट वेस्ट टाइम कंपेयरिंग, डोंट वेस्ट टाइम गेटिंग जेलस ऑफ समबडी एल्स. हाँ, कोई कुछ अच्छा करता है तो उसे इंस्पायर जरूर हो. किसी ने समझो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा स्कोर किया आपके कंपेरिजन में, रेदर देन गेटिंग जेलस यू शुड टेक टिप्स कि भाई बता, पेपर दिखा, तो यू कैन फर्दर इंप्रूव अपॉन दैट एंड अंडरस्टैंड दैट योर जर्नी इज योर, देयर जर्नी इज देयर्स. नो नीड टू कंपेयर. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड एक और बात होती है कि दोस 3 आवर्स, कितना भी अभी पढ़ाई कर लो, ये 3 मंथ्स या ये 6 मंथ्स से जो कर रहे हो, वो 3 घंटे में जो परफॉर्मेंस देते हो, दैट विल डिटरमाइन कि आपको मार्क्स कितने मिलेंगे. दोस 3 आवर्स, तो वो 3 आवर्स की मेरी एक हमेशा स्ट्रेटेजी रही है कि 180 मिनट्स 100 मार्क्स. आपको बहुत बार क्लास में भी बताया है, तो 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स. आपको पहले भी कैलकुलेशन बताया है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो ये सीधा फॉलो कर लो. 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स, मतलब अगर अकाउंट्स का 10 मार्क का क्वेश्चन आया तो 18 मिनट में करना है, 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो 9 मिनट में करना है, और जो क्वेश्चन करना नहीं जैसे नीरज सर ने बोला वो तो एलिमिनेट कर देना है. तो जो पेपर बचा वो 100 मार्क्स का कंपलसरी पेपर है, उसमें भी जो सबसे कम अच्छा आता उसको लास्ट में रखना है. तो गलती से छूटा भी तो वो छूटेगा. सो ट्राई टू सॉल्व 100 मार्क्स पेपर. मेरे CA CS CW एग्जाम में जितने एग्जाम्स दिया मैंने, जितने पेपर्स दिया, सबका 100 मार्क्स तो सॉल्व किया ही किया. ओके, बिकॉज आई यूज टू फॉलो दैट पैटर्न 1.8 वाला, एंड तभी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है हाई स्कोर करने की. देन आई थिंक आपके 15 मिनट्स का अब अवेलेबल नहीं रहेगा स्लॉट. देखा क्या आपने रूल्स, है क्या अवेलेबल, हट गया ना पढ़ने का टाइम है 15 मिनट का. देखो अगर है तो बहुत अच्छी बात, वो 15 मिनट में आप थियोरी पेपर में MCQs के आंसर सोच सकते हो फटाफट, बाद में लिख के काम खत्म, या वो 15 मिनट में आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है अपने को. वेरी गुड यूज, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि वो 15 मिनट का स्लॉट इस एग्जाम से नहीं है. ठीक है, एक बार पता कर लेना. आई डोंट नो फाउंडेशन के लिए था या इंटर और फाइनल के लिए भी था, एक बार पता कर लेना पहले से ही. ठीक है, और जो भी रहेगा टेस्ट सीरीज में वैसे ही आपके लिए रहेगा. जैसे आपका टेस्ट सीरीज अगर 5:30 से स्टार्ट हो रहा है, 15 मिनट का अवेलेबल है, तो 5:15 को आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे और 5:30 को आंसर शीट देंगे कि चलो अब भरना शुरू करो. और बाद में भी ना आंसर शीट भरने में, गोले बनाने में 5 मिनट लग जाते हैं, तो आपको मतलब 15 में से 10 ही मिनट काम में आता है. तो बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम. थियोरी पेपर में भी मैं तो कैलकुलेटर लेके बैठता था, लोग हंसते थे, बोले क्या कर रहा है, मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, है ना. रिजल्ट के दिन मैं हंसता था तो नहीं, लिटरली मैं कैलकुलेटर लेके बैठता था. अगर जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो आई यूज टू कैलकुलेट 10 × 1.8, 18 मिनट, घड़ी में देखता था बराबर 18 मिनट के अंदर चल रहा है कि नहीं, एंड कंट्रोल में पूरी चीजें मतलब चलना चाहिए, उस हिसाब से मैं काम करता था. जैसे अगला आंसर शुरू करने के पहले देख लिया और कितने मिनट में करना है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी भी देख रहा हूँ आंसर लिखते लिखते, तो बहुत कंट्रोल से फिर काम होता है. रिक्वायर्ड रन रेट पे कंट्रोल था. फिर जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है उसमें समझो आपका बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हो, टैली नहीं हो रही है, तो उसको अनरीजनेबल टाइम मत देते हुए बैठ जाओ. आपको कट ऑफ टाइम रख के आगे निकलना है. आप उसको तब के लिए छोड़ दो, लगे तो एक आधा पेज छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओ. फास्ट करो, बाद में टाइम बचेगा तो वापस आ जाना, क्योंकि एक दो बार में टैली नहीं हुई तो हो सकता है कि शायद कुछ फंडामेंटल मिस्टेक रह गई है जो वैसे ध्यान में नहीं आएगी. मेरे एक फ्रेंड को सीए फाइनल अकाउंट्स के एक 16 मार्क के क्वेश्चन में 45 मिनट लग गए थे और उसका बहुत पेपर छूटा था. लकीली उसको 40s में मार्क्स मिल गए, वो सीए बन गया, बट उसको रिजल्ट तक के बहुत टेंशन था. और वो सेम क्वेश्चन मेरा भी टैली नहीं हुआ था, लेकिन मैंने 28-30 मिनट बाद छोड़ दिया था कि भाई जो हो रहा है चलने दो. मेरा 100 मार्क्स का सॉल्व हुआ था और मुझे 64 मार्क्स मिले थे. सो द डिफरेंस वॉज ओनली बिकॉज आई वॉज एबल टू सॉल्व द रिमेनिंग पेपर. वो सॉल्व नहीं कर पाए इसलिए उसको मार्क्स नहीं मिले उसमें से. तो कट ऑफ टाइम रखो, एग्जिट प्लान रखो. पढ़ते वक्त भी इनफैक्ट ऐसे हैं
कि एक अर्जेंसी से पढ़ो, जैसे अभी आयुष अर्जेंसी से आया सेकेंड टाइम, उसको पता था कि इतने देर में करना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे पास अगर टाइम बाउंड चीज है तो हमको उसको उतने में करने के लिए थोड़ा सा एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है, काम फास्ट होता है। ओके, वो 3 घंटे में इधर उधर देखना ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन जल्दी सप्लीमेंट मांग रहा है, हमको बड़ा इंटरेस्ट रहता है। किसी ने सप्लीमेंट मान लिया तो 5 मिनट तक तो लोग उसी को देख लेते हैं, अरे है कौन ये आदमी। अरे ठीक है ना, उसने मांग लिया सप्लीमेंट, उसकी हैंडराइटिंग बड़ी होगी या होगा, उसको चाहिए होगा, और रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, आप क्या कर लोगे, आप अपने पेपर पे ध्यान दो। उस समय आई होप आपको चीटिंग करने का मौका ही ना मिले, और मिले भी तो आप करो ना, क्योंकि दैट इज ओनली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, आप अपने बल पे सीए बन जाओ, दैट इज बेटर, है ना, क्योंकि बहुत उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हो सकते हैं, है ना। अनफेयर मीन्स अगर पकड़ा भी गया ना गलती से तो आपका रिजल्ट डिबार कर देते हैं वो लोग। एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, उसका तो जेन्युइन केस था, मतलब चीटिंग नहीं किया था, फिर भी इंस्टीट्यूट ने कुछ कैटेगरी लगा के पकड़ लिया था, बोले कि आपका ये आंसर फाइनल आंसर करेक्ट है, स्टेप में कुछ गलतियां हैं तो आपने चीटिंग किया है। तो बाद में उसने कुछ एक्सप्लेन किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, बट ये सब आप गेम इंस्टीट्यूट के साथ मत खेलो। जेन्युइनली तो चीटिंग करना ही मत, सोचना भी मत, है ना, बिकॉज इट कैन स्पॉइल योर करियर फॉर एवर, एक दाग लग जाएगा हमेशा के लिए। सो वो 3 घंटे बहुत क्रूशल है। एग्जाम के बाद में रोबोटिक मोड में निकल जाना है और घर पे आना है, मतलब ज्यादा चर्चा विमर्श वहां पर उसमें नहीं लगना है। और एग्जाम के पहले आप एग्जाम हॉल बहुत जल्दी पहुंच के मत बैठ जाओ, थोड़ा सा रीजनेबली पहले पहुंचो, ट्रैफिक वगैरह को ध्यान में रखते हुए। उस समय बहुत धूप भी रहेगी, गर्मी भी रहेगी, तो थोड़ा सा तो पहले पहुंच जाओ ताकि आप जाकर के पूरे रेस्ट कर लो, रिलैक्स हो जाओ छांव में रह के। लेकिन वहां पर भी पहले बहुत एनर्जी मत अपनी खपा लो कि हम लोग लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, नहीं। बी इन योर ओन फ्रेम ऑफ माइंड कि अपना रिवाइज कर रहे हो। मैं तो, लोग बोलते हैं कि आखिरी आर तक रिविजन नहीं करना चाहिए, मैं तो आखिरी मिनट तक के, बिल्डिंग में एंटर होने तक के मैं रिविजन कर लेता था, एंड कभी कभार मुझे वही का वही क्वेश्चन आ जाता था तो काम में आता था, क्योंकि मेरे पास में वो इतनी क्वालिटी आ गई थी कि भाई मैं कंट्रोल रहूंगा, मतलब मैं कोई पैनिक नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ पढ़ रहा था, टाइम अवेलेबल है 10 मिनट तो क्यों छोड़ना ना, कोई टॉपिक हो सकता है तो कर लिया, कुछ कुछ चैप्टर हो जाते उस समय 10 मिनट में, ये स्पीड रहती है। तो एग्जाम हॉल में एकदम कूल रहने का अपन ने, है ना, नो नीड टू बॉदर। बाकी बेसिक चीजें तो है ही कि एग्जाम फॉर्म भर देना, अभी एक स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा फाउंडेशन का पिछले इसमें, तो वो बेचारा एग्जाम ही नहीं दिया अभी नवंबर में, मई में देगा, जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ब्लंडर। तो ये सब मत करना, थोड़ा सा दोस्तों के साथ इस सब मामले में अपडेटेड रहना, एक दूसरे को पूछ लेना, भाई तूने भर लिया है कि नहीं फॉर्म, हम लोग ने तो भर दिया है, वो बोलेगा कौन सा फॉर्म, रजिस्ट्रेशन के वक्त तो भर दिया था ना, हो गया फिर नवंबर में मिलते हैं। एंड रिमेंबर एग्जाम्पल ऑफ पीपल हु हैड डन इट, हु हैव डन इट इन द पास्ट, क्योंकि लोगों ने किया है, दैट इज द ओनली रीजन वाई वी ऑल्सो कैन डू इट। अभी आप यश से मिले, उसने किया है तो आप भी कर सकते हो। यश उसके समय, यश हेड़ा से मिला था तो उसने देखा कि देखो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। सो यू आर ऑलवेज, यू कैन ऑलवेज सी समबडी हु हैज डन इट, हु हैज बीन देयर एंड डन इट। ये आप लोगों से मिले थे तो इन लोग ने किया था, इवन देवर इन द सेम बैच, ऑगस्ट बैच, मई में एग्जाम थी, एंड उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली अप्रोच किया एंड क्रैक किया। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को तो 500 से भी ज्यादा मार्क्स आए थे इसमें से। देन ये हम लोग ने सेशन लिया था, आई थिंक फोटो क्लियर नहीं दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जो पास हुए वो स्टूडेंट्स का सेशन था, तो उसमें उस दिन इतने स्टूडेंट्स आ पाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको सक्सेस मिलता है, तो दैट इज अ फीलिंग वर्थ इट। इसमें से कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 4th अटेम्प्ट में सक्सेस मिला, एक को 6th में मिला, बट इट इज स्टिल वर्थ इट, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव क्लियर इट इन द फर्स्ट गो। तो फर्स्ट गो का मजा ही अलग है, क्योंकि टाइम बचता है आपका। अभी आप लोगों का, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग योर फर्स्ट एग्जाम हियर, आई इवन डोंट लाइक टू कॉल इट एन अटेम्प्ट, क्योंकि हम 10th 12th में भी अटेम्प्ट नहीं बोलते थे, है ना। 10th का अटेम्प्ट मार्च में था, 10th का एग्जाम था भाई, एक ही बार देना, अटेम्प्ट था क्या। तो आप लोग उसको, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल लो, इफ दे कैन डू इट। आयुष खुटाटे की मार्कशीट उसने मुझे भेजा था, शायद स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिख रही है, 78, 69, 81, 79, 84, 77, 79, 86, पहले ग्रुप में 307, दूसरे ग्रुप में 326, टोटल 633 मार्क्स। सेम प्लेस सेम टीचर से पढ़ा, और उसने
सेम आपके जैसे ही उतने 3 महीने में पढ़ाई किया और क्रैक किया. हाँ, उसके समय पे एग्जाम डिले हुई थी तो उसको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिला था बिकॉज ऑफ इलेक्शन. लेकिन आई एम श्योर इलेक्शन के कारण डिले नहीं होता था तो भी वो इतना अच्छा स्कोर करता था. 20 मार्क कम कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा. लेकिन 633 जहां आप पर पासिंग मार्क्स 400 है, देन ये हर्षिता मुनोद की मार्कशीट 81, 73, 54, 72, 82, 78, 66, 85 इतने मार्क्स लाए. इफ दीज पीपल हैव डन इट मीन्स इट इज पॉसिबल, मीन्स इट इज पॉसिबल. और भी बहुत सारी मार्कशीट्स हैं मेरे पास, पहले भी आपको एक बार बताया था. तो ये इसलिए बताता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस वी कैन डू इट. हमारी भी कुछ मार्कशीट ऐसी ही दिखना चाहिए. ठीक है, इफ नॉट 80, 70, 80 एटलीस्ट किसी किसी सब्जेक्ट में 60+, बाकी में 50+, एटलीस्ट उतना तो कर सकते हैं, अपना तो बेस्ट दे सकते हैं. सो व्हेन यू लुक एट दिस काइंड ऑफ पर्संस यू फील गुड कि यार वो लोग कर रहे तो हम भी कर सकते हैं. एंड इट इज अबाउट, व्हेन आई सेड ट्रस्ट योर सेल्फ, इट्स अबाउट इंस्पायरिंग योर सेल्फ. अपने आप को इंस्पायर्ड रखो. You are going to be the person responsible for your success or failure 100%. उस दिन अगर आप किसी को ब्लेम कर देते हो you lose the game. अगर आप नहीं पास हो रहे हो आप ब्लेम कर दिए you lose the game. अगर आप पास हो गए और आपको बहुत खुशी हुई बट आपने क्रेडिट दे दिया सबको you win the game. Because success अगर मिला तो क्रेडिट बांट दो और फेलियर मिला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो. That is the only formula for being successful again and again. बाद में भी क्योंकि सक्सेस मिल गया पूरा क्रेडिट खुद ले लिया अपन ने तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, हमारा लर्निंग का शटर बंद हो जाएगा. आपको लगता है सीए फाइनल में और भी कुछ स्किल्स काम में आएगी? तो सक्सेसफुल बन जाओ बट देन ओवर कॉन्फिडेंस उसका घमंड नहीं करना क्योंकि ये एक लेवल है. और बाई चांस अगर नहीं भी पास होते हैं तो अपन ने हम्बल होना है और फिर सीखना है कि भाई क्या गलत हुआ है. कोई बात नहीं, वी कैन डू इट नाउ. हाउ आई यूज टू स्टे इंस्पायर्ड इन वन ऑफ द CS एग्जाम्स, आई थिंक CS प्रोफेशनल एग्जाम आई रिमेंबर और CS एग्जीक्यूटिव आई डोंट नो एग्जैक्टली. बट मैंने ना मेरी डायरी में, मुझे उस समय थोड़ा सा टेंशन आने लग गया था क्योंकि समय बहुत कम था, ऑफिस से भी छुट्टी कम मिली थी, पढ़ना बहुत था तो मुझे टेंशन आने लग गया था. तो मैंने डायरी में लिखा था वाई आई विल क्लियर दिस एग्जाम एंड मैंने लिटरली बुलेट पॉइंट्स लिखे थे विच आई न्यू आर करेक्ट. आई विल क्लियर दिस एग्जाम बिकॉज माई रीडिंग स्पीड इज गुड. I will clear this exam because now I will plan and do it and implement. I will clear this exam because I know how to clear the exam, because I will solve the paper, because I am privileged enough to at least get this much time. Jo hai us pe dhyan diya maine. See how much blessed you are rather than how much stressed you are. To utne sare reasons maine likha aur eventually I cleared that exam. Waise abhi aage bhi professional life mein bhi kabhi koi tough call lena hota hai, कभी थोड़ा सा टेंशन आता है तो मैं पॉजिटिव पॉइंट्स लिख देता हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स वर्किंग इन माय फेवर. एंड बिलीव मी, गिनने जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ये एक्सरसाइज आप लोग भी कर सकते हो. ये सेशन में मैं कोई फोर्स नहीं करता हूं ऐसा ही करो वैसा ही करो क्योंकि आपके एग्जाम में आपका रिजल्ट है. बट एक सजेशन देते रहता हूं कि आप लोग भी अपने एक डायरी में लिख सकते हो व्हाई आई कैन एंड बुलेट पॉइंट्स लिखते जाओ. 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको लगता है आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं. For example, I have studied from very good teachers, I am studying from good material, I have studied till now in the class, I have appeared for certain number of class tests, I will be giving test series, I have so many good resources at my disposal, I will be making a plan and following it. Aap 20 point likh sakte ho. I have support from my family, okay, whenever I will have some queries, I have so and so person to guide me. So why I can, aap likh lo. When you know that there are so many factors working behind you for your success, the only thing which is possible is success. But hota kya hai ki ek factor apne against mein chalta hai. For example, aapke hostel mein baaki log bahut shor karte rehte hain. Ek factor aapne usi factor pe blame dal diya aur padhna slow kar diya. Jo cheez control mein nahi hai uska kuch kar lo, jo kar sakte kar lo, nahi kar sakte kuch mat karo, apni padhai pe dhyan do. Aapne ek factor pe blame dal diya ki ICAI ki checking kharab hai और यहां पर पढ़ाई में आपने ढील डाल दी तो कैसे बात बनेगी. वरी का बड़ा सिंपल सा फ्लो चार्ट है ना. व्हाई आर यू वरिंग? इफ यू आर वरिंग अबाउट समथिंग अबाउट विच यू कैन डू समथिंग देन डू इट. व्हाई आर यू वरिंग? एंड इफ यू कैनॉट डू समथिंग अबाउट इट देन अगेन व्हाई आर यू वरिंग? जब कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज का तो क्यों चिंता कर रहे हो.
इन एनी केस वरिंग से कोई फायदा नहीं है, है ना? तो वही बात है कि मतलब स्वर्ग सबको जाना है पर मरना कोई नहीं चाहता, और टॉप सबको करना है पर पढ़ना कोई नहीं चाहता, बैठ के चिंता हर कोई करना चाहता है। तो हम लोग चिंता करना बंद कर दो। चिंता जिंदा को जलाती है, चिता मरे हुए को जलाती है, बस इतना सा फर्क है। तो हमको ये 3 महीने हमको तपना है, हमको जलना नहीं है चिंता में। ओके, वी नीड टू सैक्रिफाइस, अननेसेसरी चीजों को सैक्रिफाइस कर दो, चलता है, क्योंकि उससे आपको जो सक्सेस मिलेगा दैट विल बी एब्सोल्युटली वर्थ इट, एंड वो आपका ही रहेगा ना। आप ये सैक्रिफाइस किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हो, आपके पेरेंट्स तो आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आपके लिए किसी और के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अभी तक आपने सेल्फलेस काम किया ही किधर है? तो आप किसी और पे एहसान नहीं कर रहे हो पढ़ाई करके, खुद पे ही कर रहे हो, उतना तो कर लो कम से कम। आपको सब चीज अगर डिफाइन करके दी है तो, एंड आई थिंक द बिगेस्ट हैप्पीनेस इज ओवरकमिंग योर चैलेंजेस। अगर सब चीज हमको रेडीमेड आयते मिल जाए तो वो मजा नहीं आता है। इमेजिन मतलब एक विंडो ओपन हो गई कि भाई कल के दिन जो भी वो वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल भर दे उसको परसों सीए का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मन तो सही में आ गई ऐसी विंडो कि भाई देश में बहुत सीए लोगों की जरूरत है, दे देंगे हम सीए सर्टिफिकेट, बांट देंगे। तो फिर मुझे सोच समझ के बताओ, सीए की वैल्यू बचेगी नहीं? आपको भी मजा आएगा वो सर्टिफिकेट लेकर नहीं? तो आपको भी बताए कि जब स्ट्रगल करके चैलेंज को फेस करके कॉन्कर करते तो मजा अलग आता है, है ना, रादर देन किसी की कृपा से हो जाए। बड़ा सिंपल सी बात है ना। तो आपको जो भी चीज कर रहे हो, आगे आप बिजनेस करोगे, आपके घर का जो बिजनेस है, अगर आपका फैमिली बिजनेस है, आपको आयता मिल गया रेडी वैसा का वैसा ही, आप उसको इंप्रूव भी नहीं कर रहे हो, बस वैसा का वैसा चला रहे हो जिंदगी के एंड तक के, तो आपको उतना सेटिस्फेक्शन रहेगा? नहीं भाई, जैसा था वैसा ही चल रहा है। लेकिन आपने अगर खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ जबरदस्त कुछ उसमें ग्रोथ किया, या घर के बिजनेस में भी आपने 10 times ग्रो कर दिया, तो यू हैव सेट सम चैलेंजेस एंड ओवरकम देम। उसी से मजा आता है। लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग चैलेंजेस। अगर आप खुद अपने आपके लिए चैलेंजेस सेट नहीं करोगे तो भी लाइफ में अपने आप चैलेंजेस आते रहेंगे। इट्स बेटर कि हम खुद ही चैलेंजेस सेट कर लें। अगर आप मान लो ना सीए छोड़ देते हो तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, ऐसा नहीं है, दूसरे चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। फिर जॉब नहीं लगेगा वो चैलेंज आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बेटर देन दैट प्रॉब्लम इज दिस एकेडमिक प्रॉब्लम कि भाई एग्जाम पास करना है, क्योंकि यह बहुत बहुत कुछ यहां पर हमारे कंट्रोल में है ना, सब कुछ तो नहीं बट बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में है। सो ऑल दीज वर द वेरियस पॉइंट्स जो यश ने पहले, फिर नीरज सर ने और मैंने जो आपको बातें बताई रिलेटेड टू द अप्रोच टूवर्ड्स द एग्जाम। ओके, अभी इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते पढ़ते हम लोग मैक्रो व्यू भूल जाते हैं, तो बस वो एक रिमाइंड करने का ही कोशिश थी ये वाले सेशन में। सो इन द नेक्स्ट सेशन We will take now a break of 5-10 minutes. Then we will be planning for your next session, जिसमें हम लोग proper happy पढ़ाई करेंगे. Okay? चलिए. Thank you.